जय हिंद साथियों, मैं आपका अपना दोस्त सुभाष यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर्स पे। तो जुड़ जाइए साथियों हमारे साथ और एक बेहतरीन से मतलब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं आर्मी के लिए। तो देखते हैं मतलब पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो इसका आंसर है साथियों प्रशांत महासागर। अब इसके अलावा भी कुछ इसमें बेसिक फैक्ट भी अपने लोगों को जानना है। जैसे अगर मैं उनका सीरीज लिखूँ तो सबसे बड़ा सागर है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और जो सेकंड नंबर का सबसे बड़ा सागर है उसको बोलते हैं अटलांटिक सागर, अटलांटिक सागर। एंड तीसरे नंबर का अपना सागर जिसे हिंद महासागर के नाम से भी जाना जाता है, हिंद महासागर। और इसका एक सीक्वेंस और है, इसको आर्कटिक सागर भी बोलते हैं, आर्कटिक महासागर। एंड फिफ्थ वन इज दक्षिणी महासागर। तो ये इनका सीक्वेंस याद रखेंगे, नंबर वन पे है आपका प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पे है अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पे है हिंद महासागर, चौथे नंबर पे है आपका आर्कटिक सागर और पांचवें नंबर पे दक्षिणी महासागर। अगर हम बात करें मतलब प्रशांत महासागर की तो ये सबसे गहरा और सबसे बड़ा भी सागर है। इसके साथ साथ एक एडिशनल फैक्ट अपने लोगों को ये भी याद रखना, जैसे क्वेश्चन क्या आया, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है, इसका आंसर तो पता चल गया, लेकिन इसमें एडिशनल फैक्ट अपने लोगों को ये भी याद रखना कि दुनिया का सबसे गहरा भी सागर और दुनिया का सबसे बड़ा भी सागर है। अगर हम बात करें कि इसकी शेप कैसी है, तो इसकी शेप साथियों त्रिभुजाकार है। शेप की बात करें तो इसकी शेप त्रिभुजाकार है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, त्रिभुजाकार इसकी शेप है। और वहीं अगर हम बात करें अटलांटिक महासागर की तो इसकी शेप ऐसा आकार है, ऐसा आकार की शेप है इसकी। और हिंद महासागर को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे अर्धसागर भी बोलते हैं, अर्धसागर। और आर्कटिक सागर, जैसा कि आपको पता है आर्कटिक मीन्स जो ऊपर पाया जाता है, इसको छिपा हुआ महासागर, इसका दूसरा नाम भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, इसको छिपा हुआ सागर भी बोलते हैं, छिपा हुआ सागर। और जो बिल्कुल साउथ में पाया जाता है उसको बोलते हैं दक्षिणी महासागर, ठीक है। तो इसमें ये एडिशनल फैक्ट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है साथियों, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ये क्वेश्चन अपने लोगों को ध्यान ना, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि राज्यसभा के एक एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है 6 वर्ष। अब देखो इसके साथ में कुछ एडिशनल फैक्ट भी पड़ेंगे जो बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा, राज्यसभा राज्यसभा इंग्लिश में ही इसे राज्यसभा बोलते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है इसका, तो आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल है 80 में, ठीक है। तो अगर इसमें हम बात करें टोटल सीटों की संख्या कितनी है, तो इसमें टोटल सीटों की संख्या साथ ही 245। अब 245 का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हुआ, 233 एंड 12, 233 एंड 12। अब ये 233 किसके लिए, ये यूनियन टेरिटरी के लिए है जिसे संघ शासित प्रदेश भी बोलते हैं, और ये अपने राज्य के लिए है। अगर राज्य में भी अगर फिर से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम करें तो 233 का किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अगर हम देखो सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं, ये 12 सीटें, ये नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट होता है, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, बाय द प्रेसिडेंट। इनमें से ये 12 मतलब जो 12 सीटें होती हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होती है। अब अपने लोगों को ये जानना है कि ये 12 लोग किस किस फील्ड से आते हैं, तो इसके 4 क्षेत्र होते हैं साथियों। पहला है विज्ञान, विज्ञान से एक विज्ञान, दूसरा है सामाजिक सेवा, सामाजिक सेवा, तीसरा है आपको कला एंड चौथी है साहित्य। ये 4 क्षेत्रों से 12 लोगों का नॉमिनेटेड किया जाता है, वो सारे के सारे मेंबर राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। अब इनका 233 का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, तो 233 में की बात करें तो ये 229 था पहले, और इसमें आपका 229 और 8 यूनियन टेरिटरी के लिए,
इसमें मिस्टेक हो रहा है। तो 229 में 229 रिमेनिंग बची चार, सॉरी एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे। हाँ तो इसमें आपकी 225 किसके लिए, राज्य के लिए, और 8 आपकी यूनियन टेरेटरी के लिए हैं, ठीक है। तो यही इसमें थोड़ी सी जानकारी है। अच्छा राज्यसभा के बारे में थोड़ा एडिशनल फैक्ट और ये जान लेते हैं। देखो तो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। अब 6 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल होता है ये तो अपने लोगों को पता है, लेकिन इसमें हर तीन वर्ष पे अगर हम बात करें, हर 3 वर्ष पर 1/3 सीट खाली हो जाती है, 1/3 सीट आपकी खाली हो जाती है, खाली हो जाती हैं। और एक एडिशनल फैक्ट और याद रखो कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो आयु सीमा है वो आपकी 30 वर्ष है। अगर मैं आयु सीमा की बात करें कहीं पे, तो आयु सीमा भी याद रखो कि राज्यसभा का मेंबर अगर किसी को बनना है तो आयु सीमा की जो लिमिट है वो 30 वर्ष है। बस इतने एडिशनल फैक्ट हैं, बहुत हो गए। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अब अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम पर्पज से आपका, इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बोलते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में, इसमें संपूर्ण जानकारी देते हैं आपको। इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इसका स्थान कहाँ है, ये भाई है कहाँ, लोकेटेड कहाँ है। तो इसका स्थान याद रखोगे साथियों, द हेग में है, द हेग नीदरलैंड। इसमें अगर हम बात करें तो जजों की संख्या कितनी होती है, जजों की संख्या इसमें साथियों 15 होती है। अगर बात करें कि कोरम कितना होता है जजों का, कि भाई कितने जज हो जाएं जिससे अपनी कार्रवाई इसमें स्टार्ट हो जाए, तो कोरम इसमें 9 जजों का होता है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो स्थापना से पूछा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 13 अप्रैल 1946 में इसकी स्थापना हुई। अगर वहीं हम एक और एडिशनल फैक्ट की बात करें, इसकी स्थापना तो 13 अप्रैल 1946 को हुई, लेकिन इसका पहला अधिवेशन कब स्टार्ट हुआ था, तो इसका पहला अधिवेशन आपको 18 अप्रैल को याद हुआ था। ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखो इस फर्स्ट अधिवेशन की बात करते हैं, पहला अधिवेशन इसका आपका 18 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था। अगर हम बात करें, जैसा कि हमारे संविधान में आपको पता है संविधान में अनुच्छेद भी होते हैं, टोटल आर्टिकल होते हैं, तो इनका भी एक अपना संविधान है। तो इनके संविधान की बात करें तो इनके संविधान में कितने आर्टिकल और कितने अनुच्छेद हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए बिल्कुल। तो संविधान की बात करें तो संविधान में दो चीज़ें याद रखो कि अध्याय कितने हैं इनके संविधान में, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसके संविधान के अध्याय की बात करें तो अध्यायों की संख्या साथियों 5 है, और हम वहीं अनुच्छेदों की बात करें अनुच्छेदों की संख्या 70 है। तो ये एडिशनल फैक्ट आपको और याद रखना। और जो अब देखो ये एडिशनल फैक्ट है, लेकिन हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पहले भारतीय थे, तो इसका आंसर साथियों नागेंद्र सिंह है। अगर वहीं बात करें इनके कार्यकाल की, तो इनकी नियुक्ति 1973 में हुई थी और ये 1988 तक इनको, मतलब इनकी नियुक्ति 2 कार्यकाल के लिए हुई थी, हालांकि पहले 1973 से लेकर 5 आप ऐड करो तो 1982 होगा, और एक नेक्स्ट कार्यकाल के लिए इनकी नियुक्ति और हुई थी। वहीं बात करें कि अभी इसका अध्यक्ष कौन है इंडिया का, अगर इंडिया का ऐसा कौन सा अभी मीन्स एडवोकेट है जो अभी इसका भी मेंबर है, तो इसका याद रखो दलवीर भंडारी हैं अभी फिलहाल, ये भी याद रखो। वर्तमान में मेंबर कौन है इसका भारतीय जज, तो वर्तमान में याद रखो दलवीर भंडारी इसके वर्तमान मेंबर हैं जो भारतीय जज भी हैं। तो यही है, आप एडिशनल फैक्ट इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन सा दिन मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन ये है, कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये इसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट और दिवस की बात करता हूँ, तो उनको एक बार जान लेते हैं।
सम इम्पोर्टेंट डेज, इसको दिवस की बात भी कर ले रहे हैं। देखो पहला इसमें मैं बात करता हूँ विश्व हास्य दिवस, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हास्य दिवस सेकंड की बात करें, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। एक तीसरा याद रखो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, इन्हीं के आंसर जानते हो। देखो इसका तो आंसर आपको याद होना चाहिए, इसका आंसर 10 आपका 10 दिसंबर है, तो इसका भी क्या है, ये कौन सा दिवस मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको बोलते हैं ह्यूमन राइट डे। तो इसका आंसर कितना है, 10 दिसंबर है इसका आंसर। वहीं बात करें देखो 24, अभी इसमें मैंने 24 अक्टूबर भी लिखा, तो इसकी जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका आंसर आपका 24 अक्टूबर है। अच्छा 24 अक्टूबर क्यों है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ही 24 अक्टूबर 1945 को हुई, इसलिए इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का दिवस भी आपका 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल। वहीं हम बात करें विश्व हास्य दिवस, तो इसका आंसर है आपका 10 जनवरी, 10 जनवरी। तो ये कुछ एडिशनल फैक्ट थे, इसमें हमने बात कर ली थी। अच्छा इसकी बात हो चुकी है 10 दिसंबर, अच्छा ये इसकी भी बात हो चुकी, अच्छा ये 4 जुलाई, इसमें ऑप्शन बी है, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसका याद रखो, एक चौथा और पढ़ लेते हैं, अमेरिका स्वतंत्रता दिवस, अमेरिका स्वतंत्रता दिवस। तो इसका आंसर याद रखो आप साथ ही 4 जुलाई है। तो ये कुछ एडिशनल फैक्ट मैंने आपको बता दिए, तो आई थिंक अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सिक्स नंबर का क्वेश्चन है साथियों, सांची का स्तूप। सिक्स क्वेश्चन है आपका, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आजकल एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन ट्रेंडिंग में, बहुत स्तूप पूछे जाते हैं, तो आपको सारे स्तूपों के बारे में कुछ एडिशनल भी जानकारी दूंगा, लेकिन फिलहाल इसी स्तूप की बात करते हैं कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर है बिहार, सॉरी मध्य प्रदेश, साथियों गलती होगी, मध्य प्रदेश में स्थित है। अब कुछ और एडिशनल स्तूपों की बात कर लेते हैं, तो सांची के स्तूप के बारे में पता है, बहुत स्तूप पूछा जा रहा है आजकल सारनाथ का स्तूप, ये पता होना चाहिए आपको एग्जाम पर, बस इंपॉर्टेंट है सारनाथ का स्तूप। तो इसमें बस आप ये बारे में पता होना चाहिए स्थित कहाँ है, तो ये इसको याद रखो वाराणसी के समीप, वाराणसी के समीप समीप स्थित है। और ये भी आपको ये तो पता है, ये बौद्ध स्मारक ही है, सारे के सारे जितने भी स्तूप है मोस्टली वो ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध स्मारक है, ये भी बौद्ध स्मारक है। ठीक, एक और स्तूप की बात करते हैं, पूछा जाता है आपको एग्जाम में पुर हवा का स्तूप, पुर हवा का स्तूप, बस इसकी या इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए ये कहाँ, तो ये याद रखो यूपी के बस्ती जिले में स्थित है, यूपी के बस्ती जिले में स्थित है। और एक इसमें एडिशनल पॉइंट आप ये भी याद रख सकते हो, इसे ये माना जाता है कि ये वाला स्तूप पुरहवा का स्तूप बौद्ध के अवशेषों पर निर्मित है, बौद्ध भगवान बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित है, अवशेषों के ऊपर निर्मित है। ये दूसरा स्तूप हो गया। एक और स्तूप की बात करें तो एक अमरावती का स्तूप है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है आजकल, अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है, अमरावती का स्तूप, तो बस इसकी लोकेशन याद रखो ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपसे यही पूछेगा कि ये स्तूप कहाँ स्थित है, तो आपको ये याद रखना है अमरावती के स्तूप, मैंने क्या बताया सॉरी गायब हो गया, अमरावती के स्तूप आपका कहाँ स्थित है, चलो वो इसके लिए हट गया, अमरावती के स्तूप आपको याद रखना है ये कहाँ है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं,
अगला क्वेश्चन है सेवेंथ नंबर का, ईच वन टच वन कार्यक्रम किससे संबंधित क्वेश्चन है। आपका सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन है, ईच वन टच कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ये एक्चुअली इसका आंसर नंबर ए है। ये आपको बोलते हैं इसको प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। देखो एक्चुअली ये था क्या कार्यक्रम, इसमें ये था कि जो राज्य सम्मान प्राप्त शिक्षकों हैं उनके द्वारा लोगों को जागरूक करें कि वो अपने बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजें, इससे ये संबंधित था और बाकी इसमें कुछ है नहीं इतना। तो इसका आंसर याद रखो आंसर नंबर ए है, मतलब प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित था। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए। तो अगला क्वेश्चन है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर समझौता कब किए गए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आर्मी के एग्जाम के लिए तो ये क्वेश्चन स्पेशली इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर तो वैसे सिंपल है, वर्ष 1971 में, सॉरी इसका आंसर है वर्ष 1971 में ये आपका शिमला समझौता हुआ था। लेकिन कुछ और एडिशनल जानकारी की बात करें कि भाई कब हुआ था, किन किसके बीच में हुआ था, उस समय ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमें शिमला समझौता करना पड़ा था। तो याद रखोगे तो भारत पाक, अगर मैं इसकी एडिशनल बात की बात करूं तो भारत पाक द्वितीय युद्ध के बाद ये समझौता हुआ था, द्वितीय युद्ध के बाद यह समझौता हुआ था, यह समझौता हुआ था। अब जैसा कि इसमें एग्जाम इसमें एकदम क्लियर ही क्वेश्चन में शिमला संधि पर, तो नो डाउट ये आपका समझौता कहाँ हुआ होगा, शिमला में ही हुआ था। तो इसमें एडिशनल फैक्ट के बारे में बात करिए, शिमला स्थान क्या याद रखोगे, तो स्थान आपको पता है क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा भाई शिमला में हुआ था, स्थान तो आपको पता है, ये समझौता शिमला में हुआ था। डेट भी क्लियर हो गई, डेट कब है, 1971 में हुआ था। अब लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि उस समय भारत का पीएम कौन था, तो उस समय याद भारत का जो पीएम था, भारत की तरफ से इस समझौते में जो पार्टिसिपेट किया था, भारत के पीएम इंदिरा गांधी एंड पाक पीएम उस समय जो था तत्कालीन पाक का पीएम जुल्फिकार भुट्टो था। याद रखो साथियों, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पूछ सकता है आपको, जुल्फिकार अली भुट्टो उस समय पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अली भुट्टो। इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ और एक्चुअली ये एक मैत्री समझौता था, एक क्या था, मैत्री समझौता था। लेकिन अगर इसकी हम कहीं ना कहीं सच्चाई की बात करें तो इस समझौता का भारत आज भी इसको फॉलो करता है, बट पाकिस्तान इस वाले समझौते को नहीं मानता। तो यही इसमें एडिशनल जानकारी थी, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है महानदी कहां से निकलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है महानदी कहां से निकलती है, जिसका आंसर है आपका ये रायपुर से निकलती है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी एडिशन मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है इसमें, तो और इसमें बात कर लेते इंपॉर्टेंट फैक्ट महानदी, इसकी लंबाई की बात करें तो ये 858 किलोमीटर टोटल लंबी है। इसके उद्गम की बात करें, ये निकलती कहाँ से, हालांकि इसमें भी उद्गम ही पूछा, उद्गम आपका रायपुर, और रायपुर आपको पता है कि कहाँ की राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी, तो क्लियर हुआ रायपुर से निकलती है। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो इसका उद्गम रखोगे सिहावा पर्वत से निकलती है और ये आपकी देखो इसका अगर फैक्ट की बात करें तो ये सबसे पहले छत्तीसगढ़ से निकलती है, कहां से, छत्तीसगढ़ से फिर ये उड़ीसा में जाती है और उड़ीसा से फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल ये इसकी लोकेशन रहती है। तो याद रखो उद्गम कहां से होता है, सिहावा पर्वत से निकलती है और ये कहां, छत्तीसगढ़ में है सिहावा की पर्वत, कहां ये भी याद रखो छत्तीसगढ़ से निकलती है, छत्तीसगढ़, और ये स्टार्ट कहां से होती है, छत्तीसगढ़ से निकलती फिर जाती है उड़ीसा में, उड़ीसा से फिर बे ऑफ बंगाल में जाके इसको मुहाना है, ठीक है। तो अब इस ये तो एडिशनल, अब इसकी सहायक नदियां भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, तो वो भी आपको याद रखनी है, सहायक नदियां तो सहायक नदियां याद है, कुछ लिख देता हूं मैं, एक ईबो नदी है इसकी,
एक मांडवा नदी है। एक आपकी हसदेव नदी है। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट आपको ये भी याद रखनी, सहायक नदियां हैं, तो ये भी याद रख लो। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आनंद मठ किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आजकल एग्जाम में ट्रेंडिंग क्या चला, पुस्तकें बहुत पूछी जा रही, तो पुस्तकें आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। और ये भी देखो क्वेश्चन है ये, आनंद मठ किसने लिखी है? तो इसकी अगर बात करें तो आनंद मठ किसने लिखी है, तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका आंसर क्या है साथियों? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सॉरी ये आंसर है इसका। लेकिन अगर बात करें इनकी कुछ और एडिशनल बुक क्या क्या हो सकती है, तो इनकी एडिशनल बुक, इसके अलावा भी आपको दो चार बुक और याद रखनी है। तो इनकी कुछ एडिशनल बुक हैं, उनकी मैं बात करूं तो चलो सबसे पहले कालिदास की बता देते हैं। कालिदास की कुछ एडिशनल बुक हैं, तो पहले तो इनकी बहुत भी पूछी जाती है, एक मेघदूत है इनकी पुस्तक, मेघदूत है, एक अभिज्ञान शाकुंतलम है, अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसार भी है इनकी पुस्तक, एक कुमार संभवम भी है। कुमार संभवम ये है एक इनका, ये इतनी याद रखो, ये बहुत है। अब बात कर लेते हैं, कालिदास हो गए, अबुल फजल की भी कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसके बारे में तो आपको पता, अकबरनामा एंड आयनकवली होगी, अकबरनामा, अकबरनामा एंड आयनकवली, ये दो इनकी पुस्तकें हैं। वहीं बात करें मैं शरत चंद्र चटर्जी, इनकी भी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे आपको आपने मूवी देखी होगी देवदास, वो इन्हीं की एक उपन्यास भी बनी है, देवदास बड़ी दीदी, देवदास बड़ी दीदी, एक चरित्रहीन भी इनकी उपन्यास है, चरित्रहीन। तो ये इनकी कुछ पुस्तकें जो मैंने बता दी, बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देवदास आपने मूवी देखी होगी नो डाउट, वो इन्हीं के एक उपन्यास पे बनी है, बड़ी दीदी एंड चरित्रहीन। ये मैंने कुछ कालिदास की पुस्तकें लिख दी, और अबुल फजल की भी, दो पुस्तकों के नाम याद रखोगे, अकबरनामा एंड आयनकवली। तो ये आप इसको नोट कर लोगे, फिर इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला देखो सेम क्वेश्चन आगे कि मेघदूत के लेखक कौन है, मेघदूत के लेखक कौन है? तो आई थिंक अब इसका आप आंसर आसानी से बता दोगे, अभी अभी बताया मेघदूत के लेखक कौन है, कालिदास है। मेघदूत के लेखक कौन है, कालिदास है। लेकिन कुछ और भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो मतलब कुछ, मतलब तुलसीदास की कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकों के नाम लिख लेते हैं। तुलसीदास, इनकी भी एग्जाम में पूछी जा रही है आजकल, तो यार एक तो आपको याद ही होगी, मोस्टली बहुत कॉमन है, रामचरित मानस, रामचरित मानस, एक दोहावली, कवितावली, इन्हीं की सारी पुस्तकें हैं, दोहावली, कवितावली, एक विनय पत्रिका भी है इनकी पुस्तक, विनय पत्रिका। इसके अलावा दो पुस्तकें और यहां याद रखिए, जानकी मंगल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जानकी मंगल, जानकी मंगल, एक पार्वती मंगल भी इन्हीं की पुस्तक है, पार्वती मंगल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें मैंने लिख दी तुलसीदास की, लेकिन इसके अलावा और भी ऑप्शन है, और ऑप्शन कौन है नेक्स्ट आपके, कौटिल्य, इनकी भी याद रखो। तो पहले तुलसीदास की इंपॉर्टेंट पुस्तकें लिख ली, दूसरा कौटिल्य की बात कर लेते हैं, कौटिल्य की कौन इंपॉर्टेंट पुस्तकें। तो आपको जैसा कि पता है इनका नाम क्या था, वास्तविक नाम इनका चाणक्य था, तो चाणक्य की एक ही पुस्तक है, मोस्टली इंपॉर्टेंट पूछी जाती है एग्जाम में, और ये बहुत बार पूछी जाती है, अर्थशास्त्र, याद रखोगे साथियों। अब जैसा कि इस पुस्तक के नाम से क्लियर हो, अर्थशास्त्री जी मानो को ये आपकी इकोनॉमिक्स की बुक होगी, बट ये इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है, आपकी पॉलिटिकल, मतलब पूरी की पूरी ये पॉलिटिकल की बुक है, पॉलिटिकल इन द सेंस ये राजनीति पे लिखी गई एक शास्त्र है, जिसको अर्थशास्त्र नाम दिया था कौटिल्य ने। तो ये भी पूछ लेता है एग्जाम में कभी। नेक्स्ट एक वेद व्यास की भी बात कर लेते हैं, तीसरा वेद व्यास है, जब सारे लिख रहे हैं तो इनको भी लिख लें, वेद व्यास की कौन सी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। तो वेद व्यास ने दो ही चीज़ें लिखी हैं आपको पता, महाभारत की एक रचना की है, महाभारत एवं पुराणों की रचना इन्हीं वेद व्यास ने की है, महाभारत एवं पुराणों की रचना, महाभारत एवं पुराणों की रचना। तो ये आप नोट कर लोगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक नोट हो गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले इसको डिलीट करते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखते हैं। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और लेकिन एग्जाम में कुछ और भी पूछ सकता है, तो अपने लोगों को इसके बारे में और जो एडिशनल जानी है, एडिशनल जानकारी वो भी याद रखनी है। तो बात करते हैं, तो सोलर सिस्टम की बात करें, सबसे पहले यहाँ पे सन स्थित होता है, आपको पता है जैसे साथियों, सन है यहाँ पे। अगर सोलर सिस्टम का मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के समझाऊँ आपको, तो ये आपको पता है ये सन है, और यहाँ पे ये आपका शुक्र होता है, सॉरी ये आपका मरकरी है, ये आपका शुक्र है, ये पृथ्वी है, और ये आपका मार्स हो गया, और ये आपका जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, और यूरेनस एंड नेपच्यून। ये आपके, ये पूरा सोलर सिस्टम मैंने बना दिया। देखो सन है, सन से जो इसका नाम बुध है, आपको पता है जो, चलो मैं नाम लिख दे रहा हूँ, पहले बुध है, ये आपका शुक्र है, ये आपकी पृथ्वी है, मंगल है, और ये आपका बृहस्पति है, बृहस्पति, ये आपके शनि महाराज हैं, ये आपके अरुण हैं, और ये लास्ट में हो गए वरुण। देखो मैंने पूरा सोलर सिस्टम का डायग्राम बना दिया, और एक इसमें और एडिशनल याद रखोगे, चलो ये इनके सारे मैंने नाम लिख दिए। अब देखो एग्जाम में आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हालांकि क्वेश्चन ये था कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, तो सिंपल सा आंसर है क्या, सबसे बड़ा आपको दिख रहा है बृहस्पति मैंने बनाया, यही सबसे बड़ा ग्रह है। लेकिन इसके अलावा भी आपसे कोई और क्वेश्चन पूछा है, तो आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। अब देखो बुध के बारे में बात करें, मैं एक एक की बात करता हूँ। देखो बुध क्या है, देखो सन के सबसे करीब, मतलब पूछ सकता कि देखो सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे छोटा भी पूछ सकता है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो अगर मैं बात करूँ तो बुध आपका क्या सबसे छोटा ग्रह है, क्या सबसे छोटा ग्रह है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में सबसे छोटा ग्रह है। एक इसके बारे में ये एडिशनल जानकारी होगी, सबसे छोटा, और जैसा कि आपको डायग्राम से ही क्लियर हो रहा है, ये सबसे निकट भी होगा, सबसे निकट, सबसे निकट। और मैं बाकी इसकी और एडिशनल जानकारी बताऊं, ये सबसे निकट भी है और इसका कोई वातावरण नहीं पाया जाता है, ठीक है, और सोलर रेडिएशन की वजह से डे टाइम पे इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा, क्योंकि इसका कोई एटमॉस्फेयर तो है नहीं, वातावरण तो है नहीं, तो सोलर रेडिएशन के टाइम पे क्या होता है, डे टाइम में इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और डे टाइम और नाइट टाइम में क्या होता है, आपके टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में वैसे पूछा नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, सोलर रेडिएशन एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 543 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है, मतलब डे टाइम में क्या होगा, अचानक से टेम्परेचर राइज हो जाता है, और नाइट टाइम में इसका अचानक से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। इसका रीजन भी क्लियर हुआ क्यों होता है, क्योंकि इसका कोई वातावरण एटमोसफेयर नहीं होता, ठीक है। तो अगर बात करें, ये इसके बारे में होगी कंप्लीट जानकारी, तो ये पूछ सकता है कि सबसे निकट ग्रह कौन सा, तो आप आसानी से आंसर दे पाओगे, बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह होता है। अब वहीं बात हम करें शुक्र की, तो शुक्र के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। शुक्र के बारे में देखो, पहला तो क्वेश्चन ये, इसको चमकीला ग्रह भी बोला जाता है, क्या चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह पूछा जाता है, इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। और वहीं बात करें, ये देखो अगर क्वेश्चन पूछा कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा, तो इसी को बोला जाता है, ये सबसे गर्म है, हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हॉटेस्ट मीन्स सबसे गर्म, हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ब्राइटेस्ट। तो याद रखो कि शुक्र ग्रह के बारे में दो जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे आपका चमकीला ग्रह भी है और सबसे गर्म ग्रह भी है। अब रीजन ये है कि भाई मतलब सूर्य के सबसे निकट तो बुध है, तो बुध होना चाहिए सबसे गर्म, लेकिन ये शुक्र क्यों है, तो इसका एक साथी बहुत इंपॉर्टेंट इसका रीजन है, क्योंकि यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा पाई जाती है। अगर वहीं बात करें, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 95% तक पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 500 डिग्री से अब भी इसका टेम्परेचर रहता हर टाइम, तो CO2 की कंसेंट्रेशन की वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, इसकी वजह से इसको हॉटेस्ट एंड मतलब चमकीला भी बोलते हैं ग्रह। अच्छा दो नाम इसका और याद रखो कि इसको इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। वहीं बात करें मतलब पृथ्वी की, तो पता आप, बात कर लेते मंगल की, मंगल को आपको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका लाल ग्रह, मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी से, ये लाल ग्रह, इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, लाल ग्रह। और वहीं बात करें कि लाल ग्रह के साथ साथ और इसमें एडिशनल एडिशनल जानकारी क्या हो सकती है, तो इस पर जीवन की आजकल बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट इसके पीछे पड़े हैं भाई, इस पर जीवन की संभावना आजकल बहुत तलाशी जा रही है, कि जीवन की संभावना है या नहीं संभावना, तो बिल्कुल साथियों इस पर जीवन की संभावना, उसके तीन कारण है जीवन की संभावना क्यों है इस ग्रह पर।
सबसे पहली बात तो है कि ये अर्थ की तरह, जैसे आपको अपने लोगों को पता कि अर्थ अपनी एक्सिस पे थोड़ी सी टिल्ट है, तो ये अर्थ की तरह सेम टिल्ट है, मतलब अर्थ की तरह वो सेम टिल्ट है, और अर्थ का और इसका घूर्णन टाइम सेम है, मतलब पृथ्वी का और मंगल का घूर्णन समय समान होने की वजह से। पहला पॉइंट तो ये है कि पृथ्वी और मंगल का घूर्णन समय समान होने की वजह से इस पे जीवन की संभावना है। दूसरा जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे तापमान की बात करें तो तापमान आपका बहुत अनुकूल है, तापमान अनुकूल है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि तापमान अनुकूल है, तापमान अनुकूल बिल्कुल समझते हैं, जैसा कि अभी अपने लोगों ने मरकरी बुध के बारे में पढ़ा कि डे टाइम में तो इसका अचानक से टेम्परेचर राइज हो रहा था और नाइट टाइम में अचानक से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा था, बट इसका क्या रहता कि इसका तापमान अनुकूल रहता है, तो इस वजह से भी जीवन की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो ये दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट की वजह से ये माना जाता है, एक तो इसका याद रखो कि घूर्णन समय पृथ्वी के समान है, अनुकूल टेम्परेचर है, तो इन दो पॉइंट की वजह से ये माना जाता है कि इसमें जीवन की संभावना बहुत ज़्यादा है। वहीं बात करें इसके बारे में तो पढ़ ली, बृहस्पति देखो सबसे बड़ा ग्रह है, वहीं बात करूं ये सबसे बड़ा ग्रह है, ये देखो अभी आपका क्वेश्चन ही यही था। अब इसमें पूछा लिया जाता है कि इसके टोटल सैटेलाइट की संख्या कितने है, मतलब इसके उपग्रह कितने हैं टोटल, तो इसके उपग्रह याद रखो साथियों 79 है। सबसे बड़ा उपग्रह की बात करूं इसका मैं, तो सबसे बड़ा उपग्रह इसका गैनीमेड है, गैनीमेड इसको याद रखो, ये पूछ लेता कि मैं बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, तो याद रखो गैनीमेड, और टोटल उपग्रह की बात करें तो 79 है। वहीं बात कर लें शनि महाराज की, तो ये देखो सबसे बड़ा आपको याद होगा मैं बृहस्पति, वहीं बात करें सबसे मतलब दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, तो शनि महाराज आपके दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह। वहीं बात करें इसके उपग्रह कितने हैं टोटल, तो दो ही बात कर लें तो उपग्रह की संख्या है इसकी 82, और जो सबसे बड़ा उपग्रह है इसका, सबसे बड़ा उपग्रह इसका नाम है टाइटन। वही बात अरुण की कर रहे हैं, तो अरुण का कलर आपका हरा रंग, इसमें दो ही पॉइंट याद रहे, इसका रंग हरा पाया जाता है, रंग हरा, इसका हरा रंग क्यों पाया जाता है, क्योंकि मीथेन क्लाउड की वजह से इसका रंग हरा पाया जाता है। पूछ भी सकता है कि सोलर सिस्टम में ऐसा कौन सा प्लानेट है जिसका कलर हरा रंग का होता है, तो याद रखो कि अरुण है, और इसका रीजन भी मैंने बताया मीथेन क्लाउड की वजह से पाया जाता है। वहीं इसके बारे में अरुण की बात करें तो ये सबसे ठंडा और सबसे दूर, दो पॉइंट इसके बारे में याद रखो, ये सबसे ठंडा है और सबसे दूर है। ये दो पॉइंट इसके बारे में याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी में हट जाता हूँ स्क्रीन से, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी नोट के साथ अगला क्वेश्चन आपको। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से हमारी संसद का हिस्सा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, हमारी संसद का हिस्सा नहीं है। तो देखो संसद का हिस्सा नहीं है, पहला आंसर है आपका अध्यक्ष, दूसरा लोकसभा, मुख्य न्यायाधीश, और इनमें से कोई नहीं। तो बात कर लेते हैं संसद की बात, संसद इंग्लिश में इसको पार्लियामेंट बोलते हैं, पार्लियामेंट। इसका साथियों आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, इसका आर्टिकल 79 है। तो देखो संसद तीन चीजों से मिलकर मोस्टली बनती है, मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ, लोकसभा, राज्यसभा एंड आपके प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। इन तीनों को भी आर्टिकल याद होने चाहिए, जैसे लोकसभा का आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है एग्जाम में, आर्टिकल 81 है। वहीं राज्यसभा के आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 80 है। वहीं हम राष्ट्रपति के आर्टिकल की बात करें तो इसमें आर्टिकल आपका 52 से लेकर 62 तक है, 52 से लेकर 62 तक, ये सारे आर्टिकल हैं। तो ये तीनों ही मिलके आपके पार्लियामेंट बनाती हैं, मींस पार्लियामेंट की ऑर्गन्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ये तो ऑर्गन्स नहीं है, अगर हम बात करें ये बनती किससे, तो संसद आपकी तीन चीज़ों से मिलके बनती है, लोकसभा, राज्यसभा एंड आपको राष्ट्रपति। तो देखो आप आसानी से चूज कर लो, इसमें आपको एक ही इनअप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है, मुख्य न्यायाधीश, ये तो कभी नहीं हो सकता, यही आंसर है आपका, ये आंसर नहीं हो सकता, मुख्य न्यायाधीश देखो हुआ है इसमें कहीं। तो याद रखो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर आपकी संसद का निर्माण होता है। इनके आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखोगे पार्लियामेंट का आर्टिकल 79 है, लोकसभा का आर्टिकल 81 है, राज्यसभा का आर्टिकल 80 है, और वहीं आपके राष्ट्रपति के आर्टिकल की बात करूँ तो 52 से लेकर 62 तक है। तो यू आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक हो गया। तो भाई अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी, क्वेश्चन है नेक्स्ट 14 नंबर का, अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या, कलिंग, अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कलिंग लड़ी थी। अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कलिंग में लड़ी थी, इसका आंसर है बी, कलिंग। अब बात कर लेते हैं अशोक का नाम तो सबने सुना होगा, महान सम्राट थे इंडिया के, इनके करिकल की भी बात करें, अशोक
इनका कार्यकाल भी साथियों आपको याद होना चाहिए, 269 बीसी से लेके 232 बीती, 232 बीसी ये इनका कार्यकाल था। भारत के महानतम सम्राटों में से एक थे ये। वहीं बात करें अगर हम कलिंग वॉर की, तो कलिंग वॉर किन किन के मध्य हुआ था, कलिंग युद्ध कलिंग युद्ध, तो एक तो आपको क्लियर है किस किस के हुआ था, अशोक और एक उड़ीसा के राजा थे अशोक वर्सेस नंदराज, नंदराज इनके बीच में हुआ था 261 बीसी में। ये टाइम भी इसका पीरियड भी याद रखो 261 बीसी। आपसे ये भी पूछ सकता कि मतलब ये आपका वॉर कब हुआ था, मतलब कलिंग वॉर कब हुआ था, तो टाइम पीरियड भी आपको याद होना चाहिए 261 बीसी हुआ था। और ये किस किस के बीच में हुआ था, अशोक और नंदराज के बीच में हुआ था, कब हुआ था, 261 बीसी में हुआ था, टाइम पीरियड भी उतना ही इंपॉर्टेंट। अब इसका ये कि भाई युद्ध ऐसा हुआ क्यों ये, और इसको आखिरी लड़ाई क्यों बोली, ऐसा इसमें क्या हुआ कि इस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध लड़ना बंद कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको इसके साथ में याद रखना। तो इसको मैं आपको रीजन बताता हूँ कारण क्या था, ये युद्ध हुआ ही क्यों आखिर, तो इसका कारण है ये टू गेट एलिफेंट, हाथियों के लिए हुआ था युद्ध, टू गेट एलिफेंट मतलब क्या हुआ, हाथी लेने थे अशोक को किससे, नंदराज से, लेकिन नंदराज ने हाथी देने से मना कर दिया, उसी के फलस्वरूप ये युद्ध हुआ। अब ये माना जाता है कि इस युद्ध में इतना भीषण कत्लेआम हुआ था, लाखों लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी, उसके बाद मतलब अशोक का अचानक से हृदय परिवर्तन हुआ कि भाई मेरी एक वजह से, मतलब एक छोटा सा कारण, हाथियों की वजह से इतने लोगों का मैंने कत्लेआम कर दिया था। तो ये माना जाता है कि इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म भी अपना लिया। ये भी माना जाता है कि इसी युद्ध के बाद, ये भी नोट कर लो आप, इसी युद्ध के बाद, इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था, ये भी याद रखो, अपना ये रीसेंट जानकारी मैंने आपको साथ ही बता दी, आई थिंक आपको क्लियर हो गई, नोट कर लो आप। अगला क्वेश्चन है आपको 15 नंबर का, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है गौतम बुद्ध से, यहाँ से क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, इसका तो सिंपल सा आंसर आपको पता है 563 बीसी में युद्ध हुआ था। लेकिन क्या हमारा इतने से ही काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, इसके साथ भी हमें कुछ एडिशनल जानकारी याद होनी चाहिए, तो आज आपको बता देते हैं गौतम बुद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी, गौतम बुद्ध जो जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो गौतम बुद्ध के बारे में देखो, जन्म तो क्लियर हो गया आपको, जन्म तो चलो मैं भी लिख दे रहा हूँ एक बार, जन्म कब हुआ था 563 बीसी। ये कभी कभी इनका स्थान भी पूछ लेता, लुम्बिनी कपिल वस्तु याद रखो क्या, लुम्बिनी कपिल वस्तु वर्तमान लोकेशन की अगर बात करें तो ये नेपाल में पड़ता है, ये यहाँ हुआ था इनका जन्म। वहीं अगर मैं मृत्यु की बात करूँ कि इनका भाई मृत्यु कब हुई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट पूछ लेता, याद रखो 483 बीसी ये इनकी मृत्यु हुई थी। अब इनके इनके जो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो चार मैं आपको बताता हूँ, वो वहाँ से आना ही आना क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, गृह त्याग, गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं। दूसरा ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं। प्रथम उपदेश दिया था उस घटना को क्या कहते हैं, प्रथम उपदेश। एंड थर्ड आपका मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं, यहां से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं मृत्यु की घटना, ये आपको चारों के आंसर मैं अभी बता रहा हूँ। देखो एकदम क्लियर हुआ मैंने क्या क्या आंसर लिखा, कि मतलब जब इन्होंने संन्यास धारण किया उससे पहले उन्होंने क्या किया था, गृह त्याग किया, तो इसकी घटना को क्या कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं, प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहते हैं, एंड लास्ट बनाए मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं। तो जो जब इन्होंने गृह त्याग किया इसको बोलते हैं महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण, ये भी घटना इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा जाता है, महाविनिष्क्रमण की घटना को क्या बोला जाता है, तो मतलब जब इन्होंने गृह त्याग किया था इसी घटना को महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। ज्ञान प्राप्ति की घटना को निर्वाण बोला जाता है साथियों, निर्वाण, निर्वाण बोला जाता है। प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। वहीं बात कर, मैं बात करूं मृत्यु की घटना को, जिसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं, महापरिनिर्वाण,
ये इम्पोर्टेंट है, ये आप नोट कर लो। अच्छा, इसके साथ में एडिशनल बहुत तो जानकारी पता होगा कि इनकी वाइफ का नाम क्या था, यशोधरा नाम था, बेटे का नाम राहुल था, पिता का नाम था शुद्धोधन, माया का नाम महामाया था। ये कुछ और एडिशनल जानकारी वो आपको याद होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ये मतलब क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनका प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के, इसको मैं स्टार मार्क करके लिख दे रहा हूँ कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया, ये भी आजकल एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए प्रथम उपदेश। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, सेकेंड क्वेश्चन ये बोलता है कि इन्होंने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, ये भी पता होना चाहिए आपको अंतिम उपदेश। और एक लास्ट बना और बनता कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, ये तीन क्वेश्चन और मैं आपको लिख दे रहा हूँ, आई थिंक यहाँ से आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा वो छूटेगा नहीं, सर्वाधिक उपदेश। तो याद रखो मतलब प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, सारनाथ। अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था, और जो सर्वाधिक उपदेश है वो उन्होंने श्रावस्ती जिले में दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। तो ये कुछ और एडिशनल जानकारी होगी। इसके अलावा अगर मैं कुछ और एडिशनल जानकारी की बात करूं तो इनके कभी कभी पत्नी का नाम भी पूछ लेता है, जैसे पत्नी का नाम एक तो आपको पता है यशोधरा, उसके अन्य नाम पूछ ले जैसे गोपा याद रखो, ठीक, भदगच्छना भी बोलते हैं, सारथी का नाम याद रखो छन्ना या छंदक भी बोलते हैं। तो ये कुछ एडिशनल जानकारी है। एक कभी कभी यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनके प्रथम शिष्य कौन थे, तो याद रखोगे इनके तपस्व एंड भालुक नाम के दो बंजारे थे, वो इनके प्रथम शिष्य हुए थे। लेकिन अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनके प्रधान शिष्य कौन थे, तो प्रधान शिष्य में याद रखोगे आनंद और उपाली थे। आई थिंक इससे कंप्लीट हो गया, इससे बनने वाला क्वेश्चन आप बना पाओगे, तो नोट कर लो आप इसको। इसी के साथ में इसे डिलीट करता हूँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक युवा स्वस्थ आदमी की दिल की धड़कन की दर क्या होती है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 72 बार। क्या आंसर है साथी इसका, 72 बार। क्या लिखा, एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है, तो सिंपल सा आंसर ही पता आई थिंक होगा, बस बेसिक सा क्वेश्चन आपको पता 72। लेकिन कभी कभी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता, मैं दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी इसी से, कि सांस लेने की दर सबसे ज्यादा कब होती है, दर सबसे ज्यादा कब होती है, सांस लेने की दर सबसे ज्यादा, पहला क्वेश्चन। दूसरा ही मैं लिख रहा हूं, सांस लेने की सबसे कम दर, ये भी पूछ सकता है आपसे, चार ऑप्शन बना के सबसे कम। तो सिंपल सा देखो, वैसे इसका एक आप लगा सकते हैं लॉजिक कि सांस लेने की दर सबसे ज्यादा कम है, तो सबसे ज्यादा कब होगा, जब इंसान सोता, तो सोते टाइम इंसान सांस लेने की दर सबसे ज्यादा सोता, सोने के टाइम। तो मैं थोड़ा सोने के समय इंसान की जो सांस लेने की दर होती है वो सबसे ज्यादा होती है। वहीं बात करूं कि सांस लेने की दर सबसे कम, सांस लेने की दर तो मैं भूल गया, दर सबसे कम होगी जब इंसान खाना खाते समय, खाना खाते समय। तो ये दो क्वेश्चन आप और एडिशनल याद रखो, ये तो उसका आंसर पता था 72 बार, कि सांस लेने की दर सबसे ज्यादा कब है, जब इंसान सोता है। तो आपने देखा होगा कुछ लोग सोचते हैं खर्राटे भी मारते हैं, तो उसका यही लॉजिक है कि सांस लेने की दर सबसे ज्यादा, मतलब जब इंसान सोता है तो उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा होती है, तब उस समय इंसान सोने के समय ज्यादा सांस लेता है। सांस लेता कम कब है, जब अपने लोग खाना खा रहे होते हैं तो उस समय सांस लेने की दर कम होती है। क्लियर हो गया होगा, नोट कर लो इसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का क्या कार्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो वैसे तो इसका लॉजिकल आंसर बता दोगे आप लोग, क्या लिखा, मस्तिष्क का क्या कार्य है, तो देखो सोचना तो कार्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो पहला तो आंसर ये भी है, सोचना भी, सोचता भी है इंसान, सोचना भी है, और शरीर का संतुलन भी बनाए रखता। अब देखो ये बात आपको समझ में आए कि ये मतलब बॉडी को मेंटेन कैसे करता है, एक्चुअली माइंड क्या है, हमारे होल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसका आंसर बी भी रहेगा, कि शरीर का संतुलन भी बनाए रखने का यही काम करता है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो करेक्ट आंसर बताओ कौन सा, सी, ए एंड बी दोनों, इनमें से उपरोक्त में से कोई, ये तो कोई मतलब इलॉजिकल आंसर है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ए भी है बी भी है, आपको समझ में आया कि माइंड क्या करता है, हमारे कंप्लीट नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। तो बी भी इसका करेक्ट आंसर है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। थोड़ा मस्तिष्क आ गया, तो इसके बाद बारे में बात कर लेते हैं क्या क्या इसके पार्ट होते हैं, और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो मस्तिष्क के अगर मैं पार्ट की बात करूँ तो इसके तीन पार्ट होते हैं मोस्टली, ब्रेन, इसे इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं, हिंदी मस्तिष्क बोलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो जो पहला होता है उसको अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, क्या,
बीच वाले को मध्य मस्तिष्क बोलते हैं, और लास्ट वाले को पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। ये इतना हो गया। अब देखो ये तो बेसिक क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में आपको अग्र मिलेगा नहीं, फिर क्या करोगे? तो अग्र के देखो तीन पार्ट होते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 100% आपका आना है, इसको आप स्टार मार्क कर नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता ही बनता है क्वेश्चन। तीसरे पार्ट की मैं बात करूँ तो इसके तीन पार्ट हैं, इसको बोलते हैं शेरी विरम। क्या? पहला जो पार्ट होता है शेरी विरम, विरम इसको बोलते हैं। सेकेंड है आपको हाइपोथैलेमस, हाइपोथैले मस, सॉरी ये गलत हो गया, हाँ सही है हाइपोथैलेमस है, नहीं ये गलत हो गया सर, ये थैलेमस है। सेकंड है, से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, सेकंड है आपका थैलेमस। जो तीसरा है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपो थैलेमस। ये तीन है। अब देखो ये आपको ऑप्शन में ये नहीं देगा, ये अग्र वाला ऑप्शन में ये देगा सेरिब्रम, और यहाँ से 110% आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसको स्टार मार्क करके नोट कर लो कि मस्तिष्क का पार्ट में ऑप्शन ये देगा सेरिब्रम, तो सेरिब्रम आपको टिक करना। अब बात कर लेते हैं कि सेरिब्रम ऐसा क्या मस्तिष्क में करता है, तो ये आपकी जो अपने लोग याददाश्त करने की जो क्षमता होती है वो सेरिब्रम की वजह से होती है। जिन लोगों का सेरिब्रम कमजोर होता है वो अक्सर लोग मतलब बातें भूल जाते हैं, मतलब उनकी मतलब आप बोल सकते हो मेमोरी क्षमता उतनी नहीं होती, मतलब भुलक्कड़ टाइप के लोग हो जाते हैं जिनका सेरिब्रम वीक हो जाता है, तो याद रखना सेरिब्रम वीक नहीं रखना। सेकंड है थैलेमस, थैलेमस की बात करें तो ये एक्सटर्नल चीज़ें बताता है बाहरी, जैसे मतलब एक्सटर्नल मतलब जैसे अगर जैसे अपने लोग कोई मतलब किसी चीज़ को टच करते हैं वो ठंडी लग रही है गर्म लग रही है, तो वो इंडिकेशन किससे मिलता है? वो हमें थैलेमस से ही मिलता है। वहीं बात करें अगर हाइपोथैलेमस, तो ये हाइपोथैलेमस इंटरनल चीज लिख लो, चलो मैं बता दे रहा हूँ, ये इंटरनल चीज़ों को बताता है इंटरनल। अब इंटरनल में बताओ क्या क्या आएगा? इंटरनल की बात करें जैसे आंतरिक टेम्परेचर, आंतरिक तापमान हमारे शरीर का कितना, ये भी यही बताता है आंतरिक तापमान। भूख लगी है नहीं लगी है वो यही इंडिकेशन देगा आपका हाइपोथैलेमस। प्यास लगी है, भूख प्यास, ठीक, और प्यार वार भी इसी की वजह से होता है हाइपोथैलेमस की वजह से। ये भी याद रखना कि हाइपोथैलेमस की वजह से ही आपको क्या होता है प्यार या किसी से मैं घृणा दोष वो सारे सब इसी से आते हैं। प्यार हो सकता है, घृणा भी हो सकती है किसी से, ये क्यों? अब जैसे क्लियर है ये इंटरनल चीज़ें बताता। वहीं बात करें थैलेमस, तो थैलेमस के बारे में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। थैलेमस क्या बताता? जैसे ठंडा है कोई चीज़, गर्म है, तो ऐसी चीज़ों को क्या बताता है आपका? हाइपोथैलेमस बताते हैं। लेकिन कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इस ये पार्ट, ये देखो ये सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम, तो इसका अगर मैं बोलूँ अप्रोक्सीमेशन पार्ट कितना होता है, तो ये लगभग 2/3% मतलब टोटल मस्तिष्क का इतना पार्ट यही सेरिब्रम अकेला घेरता है। तो अगर इसकी परसेंटेज निकाले तो 66% के समथिंग निकलती है। 66% अकेला मस्तिष्क का क्या होता है? सेरिब्रम होता है, या फिर बोल सकते हो अग्र मस्तिष्क होता है, लेकिन अग्र मस्तिष्क ऑप्शन में देगा ही नहीं, तो आपको टिक करना है सेरिब्रम। तो आई थिंक क्लियर हो गए यहाँ से, नोट कर लो आप अच्छे से। एक बार हट जा रहा हूँ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, रक्त से शुद्ध होता है, रक्त से शुद्ध होता है। तो आंसर याद रखो किडनी, जैसा कि आपको पता है गुर्दे, गुर्दे किसका काम करते हैं? फिल्टर का काम करते हैं। क्या लगा? रक्त से शुद्ध होता है, तो आपको पता रक्त, रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी, हमारी जो बॉडी में होते हैं गुर्दे वही शुद्ध मतलब शुद्ध करने का काम करते हैं। तो इसका आंसर याद रखो गुर्दे किडनी भी बोलते हैं इसको, किडनी। और कभी कभी इसको एग्जाम में ब्लड प्यूरीफायर भी एक दूसरा नाम बोलते हैं इसको, ब्लड प्यूरीफायर, प्यूरीफायर। इसका सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना सही मैंने बता दिया गुर्दे। चलो ये तो नोट कर लो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन है आपका तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका यूज होता है? तो आंसर है इसका, बताओ तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन ये है, तो इसका सिंपल सा आंसर है, पता है आपको? पारा, सिंपल सा आंसर है इसका, पारा, पारे का प्रयोग किया जाता है। अब पारे के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे लेते कि भाई पारा है क्या। इसका एक तो आप सिंबल याद रखोगे, सिंबल है इसका HG, और इसके बारे में और एडिशनल बात करें तो ये आपका मेटल है। क्या ये मेटल है? वहीं बात करूं इसकी डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी इसकी होती है 13,600 kg/m³। ये एक मेटल है, और दूसरा इसके बारे में एक जानकारी और याद रखोगे कि ये नॉर्मल टेम्परेचर में आपके लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर में अगर बात करूँ
नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर आपका लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, मतलब द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, वैसे लिख सकते हो, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। ये कुछ एडिशनल जानकारी थी, आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन जानवरों के समूह का खून ठंडा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, लिखा है इनमें से किन जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है। तो देखो बात करते हैं कि भाई जानवरों का भी खून ठंडा होता है, हाँ बिल्कुल। तो देखो दो प्रकार के जानवर इस बेस पे डिवाइड किए गए हैं, पहले जानवर जिनका खून ठंडा होता है, तो बात करें ठंडे खून वाले जानवर, ठंडे खून वाले जानवर। अभी ऐसे क्या होता है भाई इनका खून ठंडा होता है, तो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ऐसे जानवर जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर आंतरिक रूप से मेंटेन नहीं कर पाते, ऐसे जानवरों को हम ठंडे खून वाले जानवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठंडे खून वाले जानवर। एक दूसरा और भी है, चलो इसी के बेस पे एक दो पार्ट और याद रखो। एक है गर्म खून वाले जानवर, क्या? गर्म खून वाले जानवर। तो पहला आंसर आपको, मतलब पहला टाइप क्लियर हो गया, ठंडे खून वाले जानवर मींस ऐसे जानवर जो अपने बॉडी के आंतरिक तापमान को मेंटेन या नियंत्रित नहीं कर पाते, ऐसे जानवर को हम क्या बोलते हैं? ठंडे खून वाले जानवर। अब इसको उल्टा भी आपको एकदम क्लियर हो गया कि मतलब नेक्स्ट है गर्म खून वाले जानवर, मींस ऐसे जानवर जो अपने बॉडी के आंतरिक तापमान को मेंटेन कर लेते हैं या नियंत्रित कर लेते हैं, ऐसे जानवरों को अपन गर्म खून वाले जानवर कहते हैं। अब देखो ये नहीं पूछेगा आपसे, ये तो मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी, मोस्टली एग्जाम में क्या पूछेगा? एग्जाम्पल, तो मैं एग्जाम्पल पहले लिख दे रहा हूँ। इसमें देखो क्या मोस्टली पाए जाते हैं आपके, इसमें सरीसृप पाए जाते हैं, सरीसृप, सरीसृप, उभयचर और मछली, ये पाए जाते हैं इसमें। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें अपने लोग इसी में आते हैं, स्तनधारी, सारे स्तनधारी गर्म खून वाले जानवर होते हैं, स्तनधारी हो गए। एक पक्षी भी आते हैं, सारे पक्षी भी इसी में आते हैं, पक्षी एंड कुत्ता, ये सारे जानवर क्या होते हैं? गर्म खून वाले जानवर। अब देखो ऑप्शन क्रैकिंग करनी है, देखो मैंने क्या बोला कि पक्षी के सारे कैसे मतलब गर्म खून वाले जानवर। अब देखो ऑप्शन में देखो पहले क्या आगे, कौआ, तो कौआ नहीं हो सकता इसलिए ये ऑप्शन गया, मेंढक कौआ, कौआ हो ही नहीं सकता क्योंकि अपने लोगों ने पढ़ा कि जो गर्म खून वाले जानवर होते हैं मोस्टली पक्षी होते हैं, तो कौआ नहीं हो सकता। पेंगुइन, बंदर, देखो बंदर स्तनधारी होगी, बंदर भी इसमें नहीं होगा, तो ये आंसर राइट आंसर हो गया आपका डी, डी क्या, रोहू, मेंढक, कोबरा। देखो क्योंकि कोबरा क्या सरीसृप में ही आता है, रोहू मेंढक सब उभयचर में ही आएंगे, तो ये वाला राइट आंसर आपका गेहूं, सॉरी रोहू मेंढक कोबरा आपका राइट आंसर, ये ठंडे खून वाले जानवर होंगे। तो आई थिंक क्लियर हो गए, इनके सिंपल से आपको एग्जाम्पल याद रखने की, सारे स्तनधारी पक्षी और कुत्ता किस में आते हैं? गर्म खून वाले जानवर में आते हैं। वहीं बात करूं मैं ठंडे खून वाले जानवर, तो सरीसृप, उभयचर और मछली। तो सिंपल से आप ऑप्शन क्रैकिंग कर दोगे, आपको मींस ऑप्शन हटा दोगे, मींस इसको बोलते हैं इलिमिनेशन मेथड, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता, लगाओगे आंसर मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है सोलर सिस्टम का, ये भी क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो देखो पहला आंसर क्या कि मतलब अर्थ सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, संकट के दौरान, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता कभी, सॉरी संकट के दौरान ऐसा कुछ नहीं है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है। तो देखो इसको बात कर लेते हैं, पहला इसमें दो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा सूर्य ग्रहण, पहला पढ़ा देते सूर्य ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण, इसको सन एक्लिप्स बोलते हैं क्या, सॉरी सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको, सोलर एक्लिप्स। देखो ये रहे अपने शनि, मतलब सॉरी ये सन रहा, ये सूर्य देव रहे, होता क्या जैसे ये अर्थ है अपनी, पृथ्वी है ये, और बीच में आ जाता है चंद्रमा, ये आप चंद्रमा मैंने बड़ा बना दिया थोड़ा सा, ये चंद्रमा। तो देखो क्या होता है, बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, तो मैं आपको सूर्य ग्रहण पढ़ाता हूँ, इधर इधर हो गया सन, ये अर्थ होगी बीच में मून। तो जब सन की शैडो आपकी मून पे इस तरीके से पड़ती है, और मून की, मून क्या करता है कि इस सन की शैडो को टोटल ढक लेता, तो ये वाली जो सन की शैडो वो आपकी अर्थ पे नहीं जा पाती है, इसको बोलते हैं आपका सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण क्लियर हुआ, सूर्य ग्रहण क्या कि आपका सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाता है, मून, और मून क्या करता है जो सन से आने वाली लाइट को उसको थोड़ा ढक लेता है, तो इसी को आपको क्या बोला जाता है, सूर्य ग्रहण बोला जाता है। मींस अगर आप यहाँ से देखोगे, अपने लोग यहाँ से देखेंगे तो अपने लोगों को सन दिखेगा ही नहीं, क्यों नहीं दिखेगा सन, क्योंकि मून ने क्या करा, सन की साइडों को टोटली ढक लिया, तो इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। एक और पूछ लिया जाता है कभी कोई चंद्र ग्रहण, वो भी बता देते हैं चंद्र ग्रहण। और ये इसमें एक एडिशनल पॉइंट याद रखोगे, ये अमावस्या वाले दिन होता है,
एक चंद्र ग्रहण की बात करें, चंद्र ग्रहण भी याद कर लो। देखो सन तो फिक्स है, सन यहाँ पे है। अब इस बार क्या होगा, मून इधर पहुंच जाएगा और अर्थ बीच में आ जाएगी। अर्थ क्या करेगी, जो सन से आने वाली रेज है उसको, ये आपका सन है, ये अर्थ है, ये मून है। अब चंद्र ग्रहण क्या करेगा कि जो सन से आने वाली रेज है उनको अर्थ ढक लेगी, तो इसको चंद्र ग्रहण बोलते हैं। और ये मोस्टली पूर्णिमा के दिन होता है, ये डेट भी याद रखोगे, मतलब पूछ लिया जाता है कभी, पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चंद्र ग्रहण। आई थिंक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बात कर लेते हैं इसको ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, बताओ। तो अब आप आसानी से बता दोगे कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, बिल्कुल यही आंसर है आपका, राइट, बी इज द करेक्ट आंसर, कि चंद्रमा आपका क्या सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिजली का स्वचालक कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली का स्वचालक कौन सा, कि हु इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें देखो सिंपल से ऑप्शन करके करिए, तो कांच नहीं हो सकता कभी भी, कांच की अगर मैं बात करूं तो कांच हो सकता है, नहीं हो सकता, कागज भी नहीं हो सकता, पानी भी नहीं हो सकता, तो एक ही बचा तांबा, तांबा इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखो कि बिजली का अच्छा स्वचालक कौन सा, तो याद रखो कि तांबा। अच्छा मैं कुछ और एडिशनल की बात करूँ कि, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कुछ लिख लो आप, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हुआ इसका, कि ऊष्मा और बिजली के अच्छे स्वचालक, बिजली के अच्छे स्वचालक, अगर ये आपसे कभी भी पूछ ले तो देखो आपको पता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आपका सिल्वर, याद रखना, चांदी कभी कोई एग्जाम में पूछा जाता है कि हु इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि विद्युत का सबसे अच्छा स्वचालक कौन सा, तो याद रखो चांदी है आपका, पहला चांदी है। चांदी के बारे में तो मैंने बता दिया कि चांदी क्या बेस्ट कंडक्टर है, याद रखना बेस्ट कंडक्टर है ये। लेकिन एक इसकी सिंपल सी ट्रिक है, आप आसानी से पहचान लोगे एग्जाम, जैसे अब इसका ऑप्शन मैंने सी कैसे टिक कर दिया, तो याद रखना कि मोस्टली जो आपके मेटल्स होते हैं, जो धातु होते हैं, वो दोनों ही हीट, क्या लिखा मैंने, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे स्वचालक होते हैं, मीन अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो याद रखोगे कि ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि जितने भी आपके मेटल्स हैं मोस्टली मेटल्स का वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे स्वचालक हैं। तो एकदम से सिंपल सा आंसर आप एकदम से बता दोगे। अब इसके अलावा जैसे कुछ और मैं मेटल लिखूँ, जैसे तांबा हो गया आपका, ठीक है, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, तो ये जो मैंने एग्जांपल की, ये सारे के सारे क्या मेटल है। तो याद रखो कि आप आसानी से जज कर लोगे हु इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि ऊष्मा और बिजली के अच्छे स्वचालक आपके धातु ही होते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ देखो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विटामिन से आजकल बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो आगे, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, अच्छा क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की, तो इसकी देख सिंपल सी एक ट्रिक मैंने बना रखी है, ऐसे याद रखो, बी, बेरी बेरी आ रहा है तो इसमें बी आ रहा है, इसमें भी विटामिन बी है, तो सिंपल सा आप आंसर इजीली आंसर ऑप्शन जज कर पाओगे कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से है, तो इसका आंसर तो आपको पता चलेगा कि विटामिन बी की कमी से। और ये भी पता चलेगा आसान, इसको याद रखना कितना आसान है, इसको याद रखना इतना ही आसान, देखो विटामिन बी में क्या आ रहा है, वाह वाह आ रहा है, इसमें भी याद रखो, देखो बेरी बेरी कभी नहीं भूलोगे एग्जाम में कि बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, तो याद रखना आपको विटामिन बी की कमी से होता है। लेकिन आजकल कुछ और एडिशन, अगर आपसे थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है तो इन विटामिन के आपको रासायनिक नाम पूछ लिए जाते हैं और इनसे होने वाले रोगों के भी पूछ लिए जाते हैं। तो मैं एक तरफ विटामिन लिख दे रहा हूँ, विटामिन, एक तरफ इसके रासायनिक नाम की बात कर लेते हैं, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम और होने वाले रोग, इसकी कमी से होने वाले रोग, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन विटामिन से साथियों, बनता ही बनता, तो आपको याद रखना अच्छे से। मैं लिख रहा हूँ, देखो सबसे पहले विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए का, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, क्या, रेटिनॉल, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए, रेटिनॉल है। इसकी कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, रतौंधी रोग है, रतौंधी एक अश्रु रोग भी बोलते हैं इसको, एक दूसरा भी पूछ लिया जाता है कभी, अश्रु रोग। अब देखो ये होता क्या रहता हूँ दी, मतलब डिम लाइट में लोगों को दिखता नहीं है, मतलब नाइट में अगर डिम लाइट है तो उन्हें नहीं दिखेगा, तो इसी को रतौंधी रोग बोलते हैं, दूसरा अश्रु रोग भी है। तो याद रखो विटामिन ए का रासायनिक नाम याद रखो रेटिनॉल, होने वाले रोग याद रखोगे रतौंधी या अश्रु रोग है। वहीं विटामिन बी की बात करें,
तो विटामिन बी आपका कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारे विटामिन है, विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B7, B12, तो आपको सारे नहीं याद रखने, मैं यही बता दे रहा हूँ। विटामिन बी वन या बी एक ही बात है, तो इसकी होने वाले रोग है, इसका थायमिन नाम है। तो पहले विटामिन बी की कमी से होने वाला थायमीन है इसका नाम, सॉरी सही से नहीं लिखा, थायमीन। और इससे होने वाला रोग आपको पता चल गया बेरी बेरी है, क्या बेरी बेरी है। और एक ऑप्शन इसमें सी भी आया, इसकी भी बात कर लेते हैं, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। विटामिन सी का पहले तो रासायनिक नाम, इसको एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, क्या एस्कॉर्बिक अम्ल, ये इसका रासायनिक नाम है विटामिन सी का। और इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, क्या बोलते हैं स्कर्वी। भाई स्कर्वी भी देखो, इसकी भी ट्रिक है, इसको भी याद रखो, विटामिन सी सी इसमें भी आ रहा है, ऐसे याद रखो सी एस्कॉर्बिक और स्कर्वी, तो आप भूलोगे नहीं कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा, स्कर्वी। ये स्कर्वी होता क्या, स्कर्वी होने की वजह से साथियों आपके मसूड़ों से खून आने लगता है, उसी को स्कर्वी बोलते हैं, विटामिन सी की कमी से होता। वहीं अगर नेक्स्ट विटामिन की बात करें, विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम की बात करें तो इसका कैल्सीफेरॉल, क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल। और इससे होने वाला रोग है आपका रिकेट्स, इससे होने वाले रोग की बात करें तो क्या नाम है, रिकेट्स। विटामिन डी का आपको रासायनिक नाम भी याद रखना कैल्सीफेरॉल, और इससे होने वाला रोग भी याद रखना आपको, क्या रिकेट्स। अब रिकेट्स में क्या होता है, आपकी जो हड्डियां होती है सॉफ्ट बहुत बोन्स हो जाती हैं इस प्रकार से, ऐसे हड्डियां ऐसे ऐसे आपने देखो लोगों के ऐसे पैर हो जाते हैं थोड़े, मतलब इतना तो नहीं होता, ऐसे पैर हो जाते हैं। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी की होने से वजह से हमारे हड्डियां जो थोड़ी होती है सॉफ्ट बोन्स हो जाती है, मतलब हड्डियां मुलायम हो जाती हैं, और हड्डियां मुलायम होने की वजह से जो बॉडी का वेट को सस्टेन नहीं कर पाती है, मतलब जो बॉडी वेट होता उसको पूरे सस्टेन रोक नहीं पाती है, तो उसकी वजह से बोन्स इसमें क्या हो जाती है, टेढ़ी सी हो जाती है, इसको रिकेट्स बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, नोट कर लो आप, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एटीपी क्या है, सिंपल सा देखो क्या क्वेश्चन नेक्स्ट आपके, एटीपी क्या है। पहला क्वेश्चन है आपको एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये तो नहीं है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो राइट आंसर आपका साथियों सी, एटीपी की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आपको, एटीपी क्या बोलते हैं इसको, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये इसकी फुल फॉर्म है, ये है क्या एक्चुअली, अब एटीपी की बार बात करें तो ये है क्या, तो याद रखो कि जब ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल, तो याद रखो वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज का एक अणु का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अगर मैं बात करूं इसका ऑक्सीकरण कर दो आप, ऑक्सीकरण, तो उससे आपकी 38 एटीपी एनर्जी मिलती है। देखो समझ रहे साथियों कि एक अगर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाए, तो पूर्ण ऑक्सीकरण से तो आपको 38 एटीपी मिलती है। अभी एटीपी है क्या, जो हमारी बॉडी की सेल्स होती है उनमें एनर्जी एक्चुअली एटीपी की फॉर्म में ही स्टोर होती है, तो ये संचयन और संवहन दोनों का काम करती है कि हमारी जो बॉडी सेल्स है उनमें एनर्जी का स्टोर कैसे हो, उनका संवहन कैसे हो, तो दोनों बच्चे किसकी फॉर्म में होता है, एटीपी की फॉर्म में होता है। और ये भी मैंने बता दी कि वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितनी 38 एटीपी एनर्जी मिलती है हमें, तो ये एकदम क्लियर हो गया होगा कि भाई एटीपी क्या है। ये एटीपी में एक्चुअली एटीपी होती है एनर्जी की स्टोर करने की एक यूनिट, और ये आवश्यकता कब पड़ती है कि हमारी जो बॉडी की जो सेल्स हैं उनमें एनर्जी मोस्टली एटीपी की फॉर्म में ही स्टोर होती होगी। तो क्लियर हो गया, इसका आंसर सी है, क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या निम्न में से अर्नेस्ट हैकल ने कौन सा नियम दिया था, निम्न में से अर्नेस्ट हैकल ने हैकल द्वारा दिया गया नियम है, तो सिंपल सा इसका आंसर है कि वंशानुगत, सॉरी इनका ऑप्शन है बी कि बायोजेनेटिक का इन्होंने नियम दिया था, निम्न में से कौन सा नियम अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया, तो आंसर इसका याद रखो बायोजेनेटिक का नियम दिया था। वहीं बात करें कि ये वंशानुगत का नियम किसने दिया, तो इसका भी आंसर रखोगे ये मेंडलीफ ने दिया था, सॉरी मेंडल ने दिया था, ये मेंडल ने आपका दिया था, और इसका तो आपको मैंने बताया दिया कि बायोजेनेटिक का नियम दिया, इसका सिंपल सा आपको मतलब एक ऐसी आंसर याद रहा है कि अर्नेस्ट हैकल द्वारा कौन सा नियम दिया था, तो बायोजेनेटिक का नियम दिया था, राइट आंसर इसका बी है।
अगले क्वेश्चन की, ये कोई नियम है नहीं, मतलब प्रभुत्व का नियम, ये वैसे आपको मतलब बायोलॉजी में ऐसे कोई नियम नहीं है सेपरेट, इनका ऐसा कोई नियम, तो इसमें ये तो दो ऑप्शन आपके बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट है, इनको आप आसानी से एलिमिनेट कर दोगे, तो इसका राइट आंसर बी है। अगले क्वेश्चन, हाँ तो ये भी इसका इसका मैंने आपको बताया दिया, तो ये क्या मैं वंशानुगत के ही नियम है, दो ये दो और एडिशनल याद रखोगे कि दो इन्हीं के वंशानुगत के ही नियम है, ये और ये इसका राइट आंसर क्या, अर्नेस्ट हैकेल का नियम कौन सा है, तो बायोजेनेटिक इसका राइट आंसर ये है। और वहीं बात करूँ मैं मेंडलीव का, तो सॉरी मेंडल का नियम, वंशानुगत का नियम, और ये इसी के अंतर्गत दो नियम और आते हैं, प्रभुत्व का नियम, मतलब पृथक्करण का नियम, तो आई थिंक क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बर्फ के पिघलने का तापमान क्या है, बर्फ के पिघलने का तापमान, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। बर्फ के पिघलने का तापमान आपको पता ही होगा, सिंपल सा आंसर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं बात करता हूँ देखो कैसे, जैसे सपोज ये आइस है, ये कोई आइस आइस है ये, ठीक है, ठीक से आइस आइस का पूरा सॉलिड बन गया, ये कोई आइस है ठीक है, अगर इसको अगर हीट अप करें, हीट अप करने का मतलब है इसका जैसे तापमान बढ़ाएंगे, तो देखो मैं आपको पूरा साइकिल समझा देता हूँ, तापमान जैसे इसका तापमान बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, तो अभी इसका तापमान क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे ही इसका तापमान बढ़ेगा तो किसमें इसमें चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, या किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड का अगर फिर से आप तापमान बढ़ाओगे, तापमान बढ़ाओगे इसका, अगेन आपने तापमान बढ़ा दिया तो आपका लिक्विड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना किस में चेंज हो जाएगी, आपका वेपर में चेंज हो जाएगा, स्टीम जिसे बोलते हैं आप, इसका टेम्परेचर याद रखोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके साथ में एक एडिशनल फैक्ट और याद रखना है कि तापमान तो आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन एट वन एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन था कि बर्फ के पिघलने का तापमान क्या, तो सिंपल सा आंसर है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस आपका मेल्ट होना जाएगा, मतलब एग्जैक्टली 0 डिग्री पर नहीं, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा टेम्परेचर राइजअप होता आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग, आपका जो बर्फ हो स्टार्ट कर देता पिघलना। वहीं बात करते हैं अगर इसका और तापमान बढ़ाते जाओगे तो फिर आपके कंप्लीट लिक्विड में चेंज हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं लिक्विड का फर्दर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो लिक्विड आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट वन एट एटीएम, मतलब इन दोनों पे किस में चेंज हो जाएगा, स्टीम में, तो ये आपका पूरा कंप्लीट साइकिल हो गया, लिक्विड सॉरी आइस किस में चेंज हो गया, लिक्विड में, लिक्विड किस में चेंज हो गया, स्टीम में, इसको मैं लिख दे रहा हूँ स्टीम है, तो इसका टेम्परेचर भी याद रखोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटीएम पी पे लिक्विड विल चेंज इनटू स्टीम। और एक और साइकिल होता है अगर स्टीम को आप 180 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर फर्दर हीट अप कर दोगे तो सुपर हीटेड स्टीम में चेंज हो जाएगा, तो उतना नहीं पढ़ना, अगर मैं बात करूँ इसको फर्दर हीट अप कर दो तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, ये आपकी सुपर हीटेड स्टीम बन जाती है, सुपर हीटेड स्टीम, ये भी चलो लिख लो आप, सुपर हीटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम में चेंज हो जाता है, तो ये साइकिल आपको क्लियर हो गया हूँ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी आपको क्लियर हो गया, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड ये कुछ है नहीं, तो आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो सिंपल सा आंसर है इसमें रक्त में ही पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो आंसर आपका रक्त में ही पाया जाएगा। अब रक्त में भी किस में पाया जाता है, याद रखो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, लिख दे रहा हूँ इसके बारे में थोड़ी जानकारी, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, प्रोटीन है ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये आपका आरबीसी में पाया जाता है, आरबीसी समझते हो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनमें पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। अगर हम बात करें कि अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, इसकी कमी से होने वाला रोग, इसकी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और याद रखोगे, इसकी कमी होने वाला रोग एनीमिया बोलते हैं साथी इसको, क्या याद रखोगे, अगर हमारी आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, और ये आरबीसी में पाया जाता है, इसकी कमी से होने वाला रोग एनीमिया, और कभी कभी एनीमिया इतनी खतरनाक हो जाता है इसकी वजह से इंसान की मृत्यु भी हो जाती है, तो कुछ एडिशनल फैक्ट थे मैंने लिख दिया, नोट कर लो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं, अच्छा क्वेश्चन, देखो बात कर लेते हैं परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं, तो देखो अगर मैं किसी एटम का स्ट्रक्चर बनाऊं, जैसे सपोज ये आपका न्यूक्लियस होता है, इसके बाहर ये ऑर्बिट्स होती हैं, क्या होती हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, इसको नाभिक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नाभिक, और नाभिक में आपको
हमेशा याद रखें, नाभिक में दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपके प्रोटॉन होते हैं, मैं इसको लिख देता हूँ प्रोटॉन पी और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे मैंने कोई चार्ज नहीं, और इसके ऑर्बिट्स होती हैं, और भी ऑर्बिट्स हो सकती हैं, इसके ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑर्बिट्स में आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से तो याद रखो कि नाभिक के, सॉरी क्या लिखा, एटम के नाभिक में क्या होगा, तो आपको दो चीज़ें याद रखनी, एक को पी फॉर प्रोटॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन, और इसकी जो कक्षाओं में ऑर्बिट्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो एकदम क्लियर हो गया। अब बात कभी कभी पूछ लेते हैं इनकी खोज किसने की थी, इनकी खोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इसकी जे थॉमसन ने की। इसकी एक वैसे साथ ही ट्रिक है, देखो आप नहीं बोलोगे, ईंट पर नाच, मैंने ऐसे याद रखा, अभी याद कर लो, ईंट पर नाच, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, देखो याद कर लो, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन आ रहा है एक्चुअली, तो याद रखो थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ये बात करूँ मैं, इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज तो याद रखो जे थॉमसन, ऐसे याद कर लोगे, जे थॉमसन। देखो पर, पी फॉर प्रोटॉन, र फॉर रदरफोर्ड, तो मैं बात करूँ मैं, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन, तो याद रखो रदरफोर्ड। एक तीसरा नाच, ना में देखो ना से क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, और चा से हो जाएगा आपका चैडविक। तो ये खोज भी आई थिंक याद रखो, याद रखो आप ट्रिक से, भूलोगे नहीं कभी आप, चैडविक। तो क्लियर हो गया, एक नाभिक, सॉरी एक एटम के नाभिक में क्या पाया जाता है, एन फॉर न्यूट्रॉन, और इसमें कोई चार्ज, देखो इसमें मैंने कोई चार्ज नहीं लगाया, और एक आपका एडिशनल पॉइंट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर आपका कोई चार्ज नहीं होता, मतलब न्यूट्रल होता है। तो नाभिक में ये दो चीज़ें पाई जाती हैं, और इसके ऑर्बिट्स या मतलब बोलते हैं सेल्स में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। खोज भी याद रखोगे, इसकी खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की हुई थी, एंड ऐसे इस तरीके से आप इसको, ये वाली सिंपल सी ट्रिक याद रखो, ईंट पर नाच, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टॉप फॉर याद रखो कि जे थॉमसन, पी फॉर प्रोटॉन, खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने, एंड न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक। तो सिंपल सी ट्रिक है, भूलोगे नहीं कभी, याद रखो आप, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पारे में मिले अधातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं। क्वेश्चन ये है, पारे में मिले अधातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है पर धातु मिश्रण कहते हैं। देखो पारा भी हमने बात कर ली थी, पारा के बारे में आपको सारी जानकारी दी थी, पारा का रासायनिक सिंबल ये आपको Hg है, इसकी डेंसिटी मैंने बता दी थी, डेंसिटी की बात करें 13,600 kg पर मीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर में ही कभी पूछ लेता तो याद रखो और करके 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये नॉर्मल टेम्परेचर मैंने बताया, लिक्विड अवस्था में रहता, तो कुछ ही एडिशनल फैक्ट इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, तो बात करते हैं। देखो अमोनियम क्लोराइड का जैसे ऑप्शन में तो यही होगा, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र NH4Cl, वही बात करें अमोनियम क्लोराइड, देखो ये मैं बता दूँ अमोनियम क्लोराइड बनता कैसे, ये NH4Cl कैसे आया, NH4Cl तो सिंपल सा है, देखो NH4 पे जो बैलेंसी की बात करूँ मैं, तो इस पे बैलेंसी होती है प्लस वन, कितनी होती है प्लस वन, और Cl पे बैलेंसी होती है माइनस वन, ये आपस में दोनों कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद क्या बनेगा, सिंपल सा ये अपोजिट इस तरीके से मल्टीप्लाई होता और इनमें सिंपल सा NH4Cl बन जाएगा। तो ये कुछ है, अब जैसे इसके अलावा भी मैं अगर आपसे कुछ और लिखूँ, जैसे कुछ और इंपॉर्टेंट होता, एक होता आपका सोडियम क्लोराइड, एक और याद रखोगे सोडियम क्लोराइड, क्या सोडियम क्लोराइड, इसका फार्मूला भी याद रखो आप, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, NaCl, क्या होता है NaCl, इसका भी निर्माण कैसे हुआ, इसमें जब आपके बहन Na पॉजिटिव कंबाइंस विद Cl नेगेटिव गिव्स NaCl, इसका भी बात करें, देखो NH4Cl का निर्माण कैसे हुआ, तो सिंपल से याद रखो व्हेन NH4 प्लस कंबाइन Cl माइनस गिव्स NH4Cl, सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे हुआ, व्हेन Na प्लस कंबाइन विद Cl माइनस गिव्स NaCl, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, तो ये तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, वो भी नहीं है, Cl2 वाला भी नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लोहे में जंग लगना क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो लोहे में जंग लगना क्या है, आपका आंसर है कि लोहे में जंग लगना क्या 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 लगा, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, बायोकेमिकल परिवर्तन है, विद्युत रासायनिक परिवर्तन, तो इसका राइट आंसर है बी, रासायनिक परिवर्तन है। अब देखो ये यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि मतलब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं, तो मैं बता देता हूँ, देखो पहला बात कर लेते हैं भौतिक परिवर्तन, इंपॉर्टेंट बनता है ये यहाँ से केमिस्ट्री का क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज बोलते हैं इसको इंग्लिश में, भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज, देखो इसके बारे में दो तीन बातें याद रखोगे, बाकी आप
ये देखो पहला याद रखो, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा? रिवर्सिबल प्रोसेस है। दूसरा, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ये दो बातें ही याद रखनी है, बाकी ज्यादा नहीं याद रखनी है। दो, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ये दो बातों से आप पहचान लोगी फिजिकल चेंज क्या क्या लिखा, ये कैसा रिवर्सिबल प्रोसेस है। मैं पूरा लिख दूं, रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब ये क्या मतलब हुआ रिवर्सिबल प्रोसेस बताएंगे। अभी क्या लिखा, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। दो बातें याद रखनी है कि फिजिकल चेंज को आपको आसानी से पहचानने के लिए ये दो बातें बहुत हेल्पफुल हैं। पहला, रिवर्सिबल प्रोसेस है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अब देखो रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस, जैसे अभी अपने लोगों ने पीछे पढ़ा कि अगर मैं आइस को हीट अप कर दूं तो क्या बनेगा, लिक्विड। लिक्विड को मैं अगेन थोड़ा हीट अप कर दूं तो स्टीम बनेगा। अब इसको उल्टा भी याद रखो, अगर कहीं स्टीम है, स्टीम को मैं थोड़ा कंडेंस कर दूं या फिर स्टीम का मैं टेम्परेचर थोड़ा मतलब मीन्स उसको डिक्रीज कर दूं तो आपका लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को अगेन मैं थोड़ा सा उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दूं तो क्या बनेगा, आपका आइस बनेगा। तो क्या मतलब हुआ कि आइस से हमें लिक्विड मिला, लिक्विड से हमें स्टीम मिली। तो इसका उल्टा भी याद हो गया कि स्टीम से हमें लिक्विड भी मिल सकता है और लिक्विड से हमें आइस भी मिल सकता है। तो ये इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब सिंपल है कि आइस से हमें लिक्विड मिला था और लिक्विड से हमें आइस भी मिल जाएगा, तो इसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। कि मतलब वही मतलब वापस आ जाना, देखा कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता। बेस्ट एग्जाम्पल अभी अपने लोगों ने सीखा था मतलब पिछले बार क्वेश्चन में, देखो आइस से क्या बन रहा था, लिक्विड। लिक्विड से क्या बन रही थी, स्टीम। अगर इसको उल्टा भी याद रखो कि स्टीम से लिक्विड एंड लिक्विड से आपका आइस, तो इसमें कभी भी कोई नया पदार्थ मिलेगा नहीं बन रहा। सिंपल सा क्या, जब आइस को अपने लोग हीटअप कर रहे थे तो लिक्विड में चेंज हो रहा था, लिक्विड को अगेन हीटअप कर रहे थे तो आपका गैसेज स्टीम में चेंज हो रहा था, तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता। इसके एग्जाम्पल याद रखो, कभी कोई एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। तो एक तो एग्जाम्पल ये हो गया कि मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक, मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, क्या मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सिंपल से एक एग्जाम्पल याद रखो, मेल्टिंग ऑफ आइस इसका यही। अब बात कर लेते, दूसरा कर लेते रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन की बात करूं मैं, इसको केमिकल चेंज बोलते हैं। अब इसमें देखो दो उल्टा याद रखोगे, ये कैसा नॉन रिवर्सिबल है, ये नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस है आपका, और नया पदार्थ बनता है। क्या लिखा, नया पदार्थ बनता है। अब इसका क्या, इसको जस्ट उल्टा कि देखो, इसको सीखा था अपने लोग रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये आपका नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस है और नया पदार्थ बनता है। जैसे इसके बेस्ट एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे आपने कोई कागज लिया उसमें आग लगा दिया, आपने आग लगाने के बाद बताओ क्या मिलेगी, राख। तो क्या राख से आप अपने लोगों को क्या मिल जाएगा, कागज कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये कैसा नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब एक बार कागज में आग लगा दी राख बन गई, तो राख से अपने लोग कभी भी कागज दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दैट इज भाई इट इज इन्होंने नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखो दूसरे पॉइंट को अगर भाई रिफाई करें, क्या लिखा, इसमें नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ बनता है, बिल्कुल बनता है, क्योंकि जैसे कागज में अपने लोगों ने आग लगाई राख मिल गई, और राख आपको पता है नया पदार्थ है। सिंपल सा, तो इसका आंसर क्या था, रासायनिक परिवर्तन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। पेंसिलिन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिलिन क्या है। तो पेंसिलिन आपको सिंपल सा इसमें एक याद रखो कि एंटीबायोटिक दवा है। क्या है ये, सिंपल सा क्वेश्चन था, एंटीबायोटिक दवा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखा फूल और नर मादा की जीन को अंडाणु और क्या कहा जाता है। देखो पहला क्वेश्चन है, फूल में नर और मादा के जीन को अंडाणु और डैश क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है साथियों बी, पराग कहा जाता है। क्या, सॉरी, क्या कहा जाता है, पराग। तो इसका राइट आंसर क्या, पराग। सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। कौन सा मौलिक कण जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का निर्माण करता है। देखो अभी अभी पीछे अपने लोगों ने पढ़ा, तीन ही कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें सिंपल सा ऑप्शन करेक्ट कर दे, तो न्यूरॉन होता है, लेकिन ये एटम के निर्माण में काम नहीं करता। तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता, सॉरी ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, और आयन। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, न्यूट्रॉन। तीन ही चीज़ों से बनता है एटम। अगर कोई मॉलिक्यूल अपने लोगों ने सीखा, जैसे ये कोई एटम का स्ट्रक्चर है, बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में आपको मैंने बताया न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये तीन कण ही मिलकर आपके किसी भी एटम का निर्माण करते हैं। तो ये 300 ऑप्शन हट गए, तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखा इनमें से एक यौगिक नहीं है, क्वेश्चन है इनमें से एक यौगिक नहीं है। तो याद रखो कि वायु इनमें से एक यौगिक नहीं है। राइट आंसर क्या, वायु इनमें से एक यौगिक नहीं। अब बात करते हैं यौगिक होता क्या, यौगिक साथियों इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या बेन,
टू और मोर देन टू एलिमेंट आर कम्बाइंड विद ईच अदर दे फॉर्म द कंपाउंड। मतलब जब दो या दो से अधिक डिफरेंट प्रकार के एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो बच्चे मतलब किसका निर्माण करते हैं, यौगिक। जैसे इसमें लिखा पानी का, मैं उदाहरण देता हूँ, एक वाटर का याद रखो, एक CO2 भी याद रखो, ये दोनों के दोनों क्या है, कंपाउंड है। देखो कैसे कंपाउंड अभी बात करते हैं, देखो हमने बात क्या की, जब दो या दो से ज्यादा अधिक एलिमेंट किसी एक फिक्स अनुपात में आपस में मिलते हैं तो हमेशा एक यौगिक का निर्माण करते हैं। अब देखो H2O में आपको फिक्स है, एक तो आपको इसमें दो आइटम, एक हाइड्रोजन का आइटम, एक ऑक्सीजन का आइटम है, और ये भी इनका फिक्स है कि हाइड्रोजन के दो ही आइटम होंगे और ऑक्सीजन का एक आइटम है। जब ये आपस में दोनों कंबाइन होंगे तभी H2O बनेगा, ये फिक्स है इनका रेशियो। तो कभी कभी इनका रेशियो भी पूछ लिया जाता है, तो रेशियो याद रखो कि 2:1 बना है। क्या आपको अगर मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के इसमें रेशियो पूछूं तो आसानी से बता दूं कितना, 2:1 बना है। तो इसकी डेफिनेशन भी क्लियर होनी चाहिए कि कंपाउंड होता क्या है। कंपाउंड एक्चुअली क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट प्रकार के एलिमेंट एक फिक्स अनुपात में मिलते हैं तो वो एक यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण लिया अपने लोगों ने वाटर, वाटर में आपको पता दो हाइड्रोजन के आइटम दिख रहे हैं, एक ऑक्सीजन का, तो इनका रेशियो भी याद रखो 2:1 बने, ये आपका यौगिक है। वहीं अगर मैं बात करूँ CO2 की, तो देखो सी अगर ऑक्सीजन का रेशियो की बात करें तो कितना 2:1 है, मतलब एक आइटम मतलब एक आइटम कार्बन का और दो आइटम ऑक्सीजन की जब मिले एक फिक्स अनुपात में, मतलब फिक्स अनुपात इन द सेंस 1:2 में, तो उन्होंने CO2 का निर्माण किया। बहुत आसानी से इसका आंसर ए है, पानी भी स्टिल ये सारे यौगिक हैं, बाकी वायु आपका कोई यौगिक नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसे हटाते हैं। अब देखो मैथमेटिक्स का आ गया, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है वैसे, चलो इसकी जगह मैं एक चलो भाई बताता हूँ, 2-2 सिंपल सा क्वेश्चन है, 2-2 तो आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस दो कितना आंसर है, आंसर आ जाएगा 4, तो राइट आंसर बी है। लेकिन अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे और बना के पूछना चाहूँ साथियों, जैसे मैंने लिखा 84 ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लिख दिया, बोर्ड मास का अगर मैं यूज आपको सिखाऊं, यहाँ पे लिख दिया 74 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने 8 और यहाँ पे लिख दिया 2-3, ये जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया आपको, इसका आंसर बताओ क्या होगा। देखो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, देखो यहाँ से आपको ब्रैकेट हटानी, सॉरी ये क्वेश्चन गलत हो गया मुझसे, 2-2 किसका आंसर, वैसे ये इसका आंसर 4 मैंने ठीक किया लेकिन इसका आंसर 4 नहीं होगा, इसका राइट आंसर 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2-2 मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे एक्चुअली माइनस था नहीं, तो 2-2 इसका सिंपल आंसर है। अगर मैं इसी का सोल्यूशन करूँ, ये 2 है ब्रैकेट में 2 है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 0। अगर ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा, जैसे सपोज अगर ऐसे आ जाता है माइनस साइन लगा देते तब क्या आंसर होता, माइनस प्लस हो जाता, 2+2 4 हो जाता। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, ये कि भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखो ये थोड़ा अच्छे लेवल का, ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 84 है, इसमें आपको लगाना बॉड मास, देखो बॉड मास का रूल क्या है मैं आपको बता दूं, बी बॉड मास होता है बेनाकुलम बार, बी फॉर होता है ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ होता है, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। और सीक्वेंस भी आपको यही याद रखना है, देखो सबसे पहले बेनाकुलम बार को सॉल्व करेंगे और सब उसके बाद ब्रैकेट एंड आफ्टर दैट ऑफ डिवीजन में भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना, इस तरीके से याद रखें। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में मैंने दिया, तो देखो सबसे पहले मैं बात करूँ बेनाकुलम बार को सॉल्व करूँगा, तो देखो 2-3 है तो यहाँ पे आंसर -1 आएगा, तो -1 ये प्लस कितना हो गया 9, यहाँ से मिल गया 9। अब देखो यहाँ पे मैं देखो सबसे पहले अगर बॉड मास की बात करें तो सबसे पहले डी आर डिवीजन करेंगे तो कितना होता है 9 8 72 8 आ गया, इधर 8 आ गया और 8 3 24, यहाँ पे 8 3 24 हो गया, 24 माइनस 9 की बात करें तो कितना बचेगा बताओ, 15 बचेगा और 15 84 में से माइनस करो, ये आंसर हो जाएगा 84 माइनस 15, 14 में से 5 गए 9 बचे और 7 में से 8 गए 6 बचे, ये 69 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर याद रखोगे 0 है, वो मिस्टेक हो गया, मैंने माइनस लगा दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखा एक त्रिभुज के एक कोण का, एक त्रिभुज के दो कोण दे रखे हैं आपको और तीसरा कोण पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 105 डिग्री है तो तीसरा कोण क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इसमें देखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, जैसे एक कोई त्रिभुज है मान लो, सॉरी एक त्रिभुज है मान लो, ये कोई त्रिभुज ABC है, इसको सीख लो। देखो एक कोण की मान, देखो इस मान ले इस कोण की वैल्यू 30 डिग्री है, दूसरे कोण की वैल्यू 105 डिग्री दे रखी है, इसमें आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि द इंटीरियर सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मतलब किसी भी एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, ये फिक्स याद रखोगे। देखो चाहे आपका मतलब कोई मतलब किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, और ये बात कैसी यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेलीस हो, स्केलेन हो, मतलब किसी भी प्रकार का कोई ट्रायंगल हो, बट ये एंगल सम प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा हूँ ये कभी भी चेंज नहीं होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी।
एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको याद रखोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मतलब एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी, इनका सम फिक्स है 180 डिग्री होना। देखो आसान से क्वेश्चन दिया, इसने दो एंगल आपको दिए, तीसरा पूछ रहा है, बस यहाँ पे पुट कर दो आप, अगर इन दोनों को ऐड करो आप, दो एंगल को अगर मैं ऐड करूँ ए और बी सी की तो 30 डिग्री, अगर ऐसे इसको डायरेक्ट भी करना चाहो तो एक हो जाएगा डायरेक्ट 105, इनको ऐड कर दो, 5 × 3 = 135 आ गया, 135 को आपको 180 डिग्री में से माइनस कर दो, 180 − 135 यहाँ से लिए 10, 5 बचा, 7 में से 3 गए 4 बचा, 45 डिग्री आ रहा है राइट आंसर, तो 20 तक राइट आंसर। सो आपको आई थिंक इसका बेसिक भी क्लियर हो गया कि भाई इसके अलावा भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको याद रखना एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता, दो हमेशा देगा, दो की वैल्यू पुट करोगे, दोनों को जोड़ोगे, 180 डिग्री में से माइनस कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गया बेसिक से क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या, 45 का 7/9 का मान क्या होगा, क्वेश्चन ये आपका 45 × 7/9, देखो सिंपल से आपको मल्टीप्लाई करनी, कितना होता है 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45 और 5 × 7 = 35, सिंपल सा आंसर मिल गया 35, 20 द राइट आंसर। देखो इसके अलावा भी आपसे आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन क्या, देखो का की जगह आप क्या लगाओगे, हमसे गुणा, का की जगह क्या लगाओ, गुणा सिंप्लीफाई कर दोगे, 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45, 5 और 7 के मैंने गुणा कर दी, 5 × 7 = 35, आंसर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये देखो क्वेश्चन अच्छा, सर इसका साइज छोटा कैसे होगा, ये हटा दें, ठीक है क्वेश्चन है आपकी 0.4z − 3 − −7/5z, तो इसका मान पूछ रहा है आपसे, देखो सिंपल सा क्वेश्चन, इसको करते हैं कितना, ये देखो 0.4z − 3 और इधर देखा आपकी वैल्यू 7/5, ये है आंसर। देखो करते हैं, देखो कुछ नहीं करना है इसमें, सबसे पहले एक तो देखो एक तो तरीका ये है कि यहाँ से पॉइंट हटा के इसको सिंप्लीफाई कर लो, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो अगर मैं पहले पॉइंट हटाऊं, चलो मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, चलो पॉइंट हटा दे रहे हैं, कितना आएगा 4/z, तो ये आ गया 4z / 10 − 3 − 7/5 ये। देखो मैंने क्या किया, यहाँ से पॉइंट हटाया, पॉइंट का आपको पता पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट के नीचे बनाता है, पॉइंट के राइट साइड में जितने नंबर ऑफ डिजिट होते हैं उतना ही जीरो आएगा, तो एक ही है तो जीरो आ गया, इसका अपन बन मान लें एलसीएम कितना हो गया, देखो 10, तो यहाँ से हो गया 4z − 4 = 30, सॉरी ये आ गया 30 और 7/5 माइनस का साइन है, 5 × 2 कितना हो गया 10, तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा कितना आएगा, ये 4z − 30 अपन में आ गया 2 बराबर आ रहा है −7, क्योंकि 5 से 5 बट गया, अब इससे ऊपर से देखो मैं दो इसमें से दो को डायरेक्ट मतलब कॉमन लेके भी कैंसिल कर सकते हैं, दो कॉमन लेंगे कितना आएगा z − 15 आएगा, z − 15 अपॉन में आ रहा है 2 बराबर −7, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो z − 15 − 7 मैं जेड की वैल्यू निकालूंगा तो 15 को उधर ले जाऊंगा, तो −7 + 15, तो आंसर मिल गया 8, तो जेड की वैल्यू मुझे 8 मिल चुकी है, देखो सिंपल सा सिंप्लीफाई कीजिए, तो पॉइंट हटाया, पॉइंट के नीचे 10 आया और जेड की वैल्यू मिल गई 8, अब इसका आंसर ये पूछ रहा था, देखो अब निकाल देते हैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके, पूछ रहा था जेड 15z + 9 का मान बताओ, तो जेड का मान मिल चुका है 8, 15z था सॉरी 1.5z था, 1.5 × 8 + 9 15 × 120 होता तो ये 12 आ गया, 12 + 9 ये हो गया 21, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 168 आ रहा आंसर। अब देखो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर, पहले से ठीक है ये नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर, क्योंकि जेड का मान कितना आ रहा है 168 आ रहा है, जिसमें ऐसा कोई ऑप्शन टिक नहीं मैच कर रहा था, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, नन ऑफ दीज होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर की चौड़ाई के एक खेल का क्षेत्रफल कितना होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो क्या लगा, 300 मीटर की लंबाई और 200 मीटर की चौड़ाई के खेत का क्षेत्रफल, देखो अब जैसा कि इसकी जो इसने डायमेंशन दे रखी इसी क्लियर हो रहा है ये क्या आपका रेक्टेंगल है, क्या रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जिसकी लेंथ इसने दे रखी 300 मीटर
300 मीटर ब्रेड्थ दे रखी, मीन्स चौड़ाई इसने दे रखी 200 मीटर। क्षेत्रफल आप बहुत सिंपल है, इसका फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, एल इंटू बी। वैल्यू पुट करो 300 गुणा 200, 3 2 6 होता है आपका, 4 0 लग जाएंगे, 60,000 मीटर स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसमें, देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, इज द करेक्ट आंसर 60,000 मीटर स्क्वायर। अब देखो इसके अलावा भी कुछ एडिशनल फैक्ट, ये तो इसका सिंपल आपको पता चल गया कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ये क्षेत्रफल एक्चुअली निकालते हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। कभी कभी इसकी आपसे पूछ लेता परिमाप बताओ, पेरीमीटर बताओ, तब इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो पेरीमीटर की बात करें तो एक्चुअली क्या होती है किसी भी चीज़ की पेरीमीटर, जैसे ये रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की ये तो पेरीमीटर होगी, यही तो होगी, इसी को बोले परिमाप। तो एक लेंथ ये होगी, एक लेंथ ये वाली होगी, कभी भूलोगे नहीं, ये वाली भी, ये भी है। तो अगर मैं इसकी परिमाप अलग से निकालूं कि इसकी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला निकला, देखो एल प्लस एल कितना हो गया 2L इन द सेम बी, बी प्लस बी कितना हो गया 2B, तो कितना हो गया 2L प्लस के 2B। तो इसका परिमाप का भी कभी भी फॉर्मूला पूछ लेगा तो 2L प्लस बी। अब जैसे इसी में पूछ लेता तब कैसे निकालते परिमाप, तो 2 L की वैल्यू कितनी है 300 और B की वैल्यू है 200, तो ये हो गया 500, 500 गुणा तो 1000 आ गया, कितना 1000 मीटर। और ये हमेशा याद रखोगे, ये हमेशा इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर में आएगी, क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में होगा। तो राइट आंसर इसका ए है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंपल है, लिखा यदि एक पुरुष एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं तो 20 पुरुष वह कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, यदि 8 पुरुष एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं तो लिखा 20 पुरुष वह कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। देखो करते हैं भाई, एक पुरुष एक दिन में कितना कार्य कर सकता, यदि 8 पुरुष एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तब 8 पुरुष क्या कर रहे हैं, एक कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ एक पुरुष एक दिन में कितना कार्य करेगा, अगर एक पुरुष का निकालूँ कितना आएगा 15/8, 8 से मैंने भाग दे दिया। अब पूछ रहा तो 20 पुरुष वह कार्य कितने दिन में करेंगे, तो एक पुरुष का एक कार्य का काम, एक पुरुष का एक दिन का कार्य कितना आ रहा है बताओ, 15/8, तो लिखा 20 पुरुष वह कार्य कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन ये है, यदि 8 पुरुष एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, 20 पुरुष वह कार्य को कितने दिन में करेंगे, सही है। तो एक पुरुष का मैंने कार्य निकाली कितना आ गया 15/8, तो अगर मैं इसका टाइम निकालूंगा कैसे निकलेगा, 20 पुरुष भाई करिए कितना, MDH से करें तो बहुत आसान से हो रहा था, MDH जो फार्मूला होता है, इसमें MDH बराबर कांस्टेंट होता है। लिखा कि 8 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सिंपल है, 8 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 20 पुरुष उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, एक्स मान लें उसको, या दिन मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, उस पुरुष को कितने दिन में कर सकते हैं। तो डी की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, ये 15 × 120, 120/20, तो 2 × 12 6 दिन में पूरा कर देंगे, 6 इसका राइट आंसर, कोई इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखो MDH से कैसे करते हैं, मेन, देखो M का मतलब होता है मेन, D का मतलब डे एंड आर्स। देखो इसमें हालांकि 2 चीज़ दे रखी थी, आदमी और दिन दे रखे थे, कभी कभी आर्स वाला भी क्वेश्चन पूछ लेता, तो MDH बराबर कांस्टेंट होता। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका ऐसे करते हैं M1 D1 H1 बराबर होता है M2 D2 H2, इस तरीके से करते हैं। इनमें से हमेशा देखो 6 चीज़ें होगी, 6 चीज़ों में से आपको 5 चीज़ें देगा, एक पूछेगा, तो सिंपली से पुट कर, जैसे ये वाले, इस वाले में इसने क्या कर दिया, आर्स को हटा दिया था, तो MD बराबर कांस्टेंट लग रहा था कि 8 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 20 पुरुष उस काम को कितने, 20 पुरुष उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो 20 × D मान लिया हमने, तो D की वैल्यू निकालेंगे 15 × 120, 20 से भाग दिया 2 × 12 6 दिन आ रहा, अब 6 दिन इसमें कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन करते हैं, सिंपल, आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखो अगला क्वेश्चन है कि 4.21 का आंशिक मान क्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 4.21 का आंशिक मान क्या, तो देखो सिंपल से आपको क्या आना, हटाना पॉइंट, पॉइंट के नीचे हमेशा कितना आएगा 1, और पॉइंट के राइट साइड में देखने कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 1 2, तो 2 डिजिट है, कितना आगे 100, तो इसका आंसर कितना आगे 421/100। कि अगर आंसर की बात करूं तो ए इज द करेक्ट आंसर। जैसे एक दो मैं क्वेश्चन और दूंगा आपको, जैसे मैंने दिया 0.00986, इसका बताओ क्या आंसर होगा, तो सिंपल से क्या हटाना आपको, पॉइंट हटाना, पॉइंट के नीचे मन लगाना, 1 2 3 4 5, तो 6 डिजिट है, तो 6 0 लगा देने, 3 4, तो आंसर कितना हो जाएगा। अब देखो जब पॉइंट होता तो नंबर से पहले 0 की वैल्यू होती है, लेकिन नंबर से पहले अगर पॉइंट हट गया तो 0 की कोई वैल्यू नहीं, कितना आएगा 986, ये आ जाएगी 10^6, 1 2 3 4 5 6, ये राइट आंसर हो गया। इस प्रकार का आप सिंपल से क्वेश्चन कर लोगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो क्या लिखा, 1/2 तथा 1/4 का मान क्या होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 1/2 + 1/4 का मान क्या होगा। इसमें सिंपल से आपको 2 4 का लासा लेना, एलसीएम लेना, 2 4 का एलसीएम बताओ कितना आएगा, 4 ही आएगा। अब देखो रूल क्या होता है,
चार को दो से भाग दो, दो दूनी चार, तो ऊपर जो भी आएगा उसकी एक से दो से गुणा कर देंगे, दो आ गया। चार को अगर मैं चार से भाग दूंगा ऊपर, वो पहले ही लिख दो, चार को चार से भाग देंगे एक आया उसके ऊपर गुणा करेंगे, तो एक दो एकम दो प्लस एक कितना आया बटे में चार, आंसर आ गया तीन बटे चार। तीन बटे चार है इसमें कोई ऑप्शन, तो राइट आंसर हो गया आपका ए। चलो देखो एक तो बहुत सिंपल है, मैं और आपको क्वेश्चन अगर बना के दूँ अपने पास है, जैसे एक बटे पाँच है कहीं पर, एक बटे दस है और प्लस के तीन बटे पंद्रह, ये मैंने जैसे ऐसा क्वेश्चन बना दिया। और चलो मैं थोड़ा और टफ बनाऊँ इसे, तो मैंने बोल दिया माइनस का दो बटे दस, ये मैंने क्वेश्चन बनाया जैसे, तो आपको देखो सिंपल से चाहे मतलब आपसे दो भी पूछ सकता है तीन भी पूछ सकता है, तो पाँच दस पंद्रह का अगर एलसीएम आप निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, तीस एलसीएम आएगा, कितना आएगा तीस, तो मैंने तीस एलसीएम ले लिया, कितना एलसीएम आ गया तीस। अब देखो इस एलसीएम को आपको सबसे पहले नंबर से भाग देना, कितना है पाँच छक्का तीस, छः आया छः के ऊपर से गुणा करनी, छः कम छः प्लस जो भी आसान लगा क्या हो गया दस तीन तीस, यहाँ पे तीस आ गया, पंद्रह तीन पंद्रह दूनी तीस, ऊपर दो आया तो दो तीन छः और दस तीन तीस माइनस का छः, ये आया देखो क्या मैंने ठीक किया, बिल्कुल ठीक है। देखो पाँच से भाग दिया, पाँच छक्का तीस, छः आया छः के ऊपर से छः की एक की मल्टीप्लाई करेंगे छः कम छः, दस से मैंने तीस को भाग दिया, दस तीन तीस तीन आया, तीन एकम तीन, पंद्रह दूनी तीस, दो तीन छः ठीक आया, दस तीन तीस, ये देखो अब क्या हो गया इसमें सिंपल, देखो छः से छः क्या हो रहा है कैंसिल, छः तीन कितना आ रहा है नौ बटे तीस। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप, सिंपल से क्या करोगे इसका एलसीएम लोगे और क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। करते हैं अगला क्वेश्चन, ये देखो फिर से वही आ गया वर्गमूल वाला क्वेश्चन, ये वर्गमूल वाला सॉरी क्या लगा, 0.036 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको कुछ वर्गमूल याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट वर्गमूल है, जैसे आप कम से कम एक से लेके बीस, एक से लेके तीस तक आपको सारे वर्ग याद होने चाहिए, वर्ग वर्ग जब याद होंगे तो वर्गमूल आप आसानी से निकाल लोगे, और कम से कम एक से लेके बीस तक आपको घनमूल सॉरी घन याद होंगे। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ साथियों, क्योंकि जब आपको वर्ग आसानी से याद होंगे तो उसका वर्गमूल आपको दिक्कत ही नहीं होगी मतलब कैलकुलेट करने में, आप देखते ही आंसर बता दोगे, आंखों ही आंखों में खेल जाओगे कि इसका आंसर ये है। जैसे एक से तीस तक आपको वर्ग याद होंगे, एक से बीस तक घन याद होंगे तो आंसर हो जाएगा। अब जैसे फिलहाल अभी हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्या, 0.0036 इसका वर्गमूल पूछ रहा है, वर्गमूल का साइन क्या होता है ये, और इसकी खासियत हमें पता है कि इसके अंदर जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा वही बाहर निकलेगा। तो देखो इसमें पॉइंट हटाएं अगर तो कैसे सॉल्व करेंगे, 0.0036 यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा कितना आएगा, एक दो तीन चार, चार जीरो आएगा, तो ऊपर कितना आएगा ये 36 बटे 10,000 आ गया, कितना आ गया 10,000। अब देखो क्या, देखो ये तो पता, मैं इसलिए बोल रहा था वर्ग आपको याद है, अब जैसे ही आपको मैं इसमें मैंने देखा 36 किसका है, 6 का वर्ग है, आपको सिंपल से पता चल गया 6, ये 10,000 देखो कितना है। तो जीरो वाले की एक ट्रिक होती है, जीरो को हाफ कर दिया करो, मतलब ये आपको देखना ये किसका वर्ग है, तो जीरो को हाफ करें इसमें कितने जीरो है चार, तो ये 100 का वर्ग होगा, तो आंसर कितना आ गया 6/100 का मतलब हो गया 0.06, राइट आंसर हो गया आपका 0.06, देखते कौन सा आंसर है, ये इज द करेक्ट आंसर, तो आ गया हो गया आपको समझ में, ये याद कर लो 1 से 30 तक वर्ग और 1 से 20 तक लेके घन, बहुत हेल्पफुल रहोगे। देखा एक वर्ग की परिमिति 1000 सेंटीमीटर, उस वर्ग की एक भुजा कितनी होगी, क्वेश्चन ये है। देखो वर्ग, अब वर्ग के बारे में बात की तो मैं वर्ग की इस, चलो इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, वर्ग की सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको बता दूं, देखो वर्ग की क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, पहली बात तो याद रखो, सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये सेकंड पॉइंट याद रखो, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, सारे कोण कितने होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, ठीक, ऑल साइड्स आर इक्वल। और इसमें दो फॉर्मूले याद रखो, इसके एक तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखो, क्षेत्रफल का गुणा होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा या भुजा का स्क्वायर याद कर लो। दूसरा फॉर्मूला होता है परमाप, क्या परमाप, तो परमाप का इसका फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा, क्या होता है 4 गुणा भुजा। अब देखो इस क्वेश्चन क्या दिया आपको, यही दे रखा एक वर्ग की परिमिति, परिमिति मतलब परमापी इसने दे दिया अल्टीमेटली, कितना 1000 सेंटीमीटर आपसे भुजा पूछ रहा है, तो सिंपल सा फॉर्मूला देखो इसका पी बराबर क्या होता है 4 × साइड, आप इसको फॉर्मूले के टर्म में याद रखना है तो याद रखो पी बराबर 4 × साइड, पी की वैल्यू इसने 1000 दे दी है, देखो भुजा हम निकाल लेंगे तुरंत 4 × a, तो अगर ए की मुझे वैल्यू निकालनी है तो कितनी आएगी 1000/4, कितना आएगा 1000/4 कितना आएगा 250 आ जाएगा, कितना आएगा 250 सेंटीमीटर, यूनिट वही रहेगी जो सेम है, तो राइट आंसर आपको हो गया डी। क्लियर हो गया इसके बारे में बेसिक जानकारी कि इसके सारे एंगल 90 डिग्री होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुणा भुजा या भुजा का स्क्वायर, इसका पेरीमीटर का भी फॉर्मूला याद रखो कि 4 × साइड, तो आपसे मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है आपका 3 से 1/घंटे में कितने मिनट होते हैं, अच्छा क्वेश्चन है देखो करते हैं,
पहले बेसिक जानकारी आपको बताना चाहिए, एक घंटे में कितने, देखो वन आवर बराबर होता है 60 मिनट, कितना वन आवर बराबर होता है 60 मिनट, अगर मैं बोलूँ वन मिनट बराबर हाउ मच सेकंड, तो याद रखो 60 सेकंड, भाई एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं। भाई अगर मैं बात करूँ एक घंटे में, ये भी आपको जानकारी बताऊँ जी, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 गुणा 60 करो तो कितना आएगा 3600 सेकंड। ये थोड़ी बेसिक जानकारी थी, फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था देखो, क्या 3 सही 1/4 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 3 सही 1/4। तो देखो पहले तो इसको हल कर लो, ये देखो मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 4 3 12 12 1 13 13/4 घंटे, 13/4 घंटे में, और जैसा कि अभी अपने लोगों ने सीखा कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, आंसर अपने लोगों से मिनट में पूछ रहा है, तो इतने घंटे आ गया, तो घंटे को अगर मैं मिनट में चेंज करूँगा तो 60 से गुणा करूँगा, बिल्कुल करूँगा, तो 60 से मैं गुणा कर दूंगा, 4 से काटेंगे 15 आ गया, 15 13 की मल्टीप्लाई कर दो, 15 ढाई 150 एंड 15 3 45, 195 आ गया, 195 मिनट। राइट आंसर कितना हो गया 195 मिनट। देखते हैं चेक है ऑप्शन, हाँ 20 इज द करेक्ट आंसर, इसमें हो गया आपको, आई थिंक समझ में आ गया बेसिक तो क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या, देखो अगले क्वेश्चन ये आ गया आपको, x प्लस 4 और x प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी। देखो क्वेश्चन ये आपका, x+4 और x+5 की वैल्यू क्या होगी। देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसको पकड़ो, इसकी दोनों से मल्टीप्लाई करो, इसकी मैं मल्टीप्लाई यहाँ भी करूँगा और इसकी मैं मल्टीप्लाई यहाँ भी करूँगा, तो देखो x की जब मैं मल्टीप्लाई x से करूँगा कितना आएगा x का स्क्वायर, और x की मल्टीप्लाई जब मैं 5 से करूँगा तो कितना आएगा 5x हो गई x की मल्टीप्लाई। अब मैं देखो 4 को पकड़ रहा हूँ, तो 4 के भी सेम केस है, 4 की मल्टीप्लाई 1 से भी होगी, मतलब 4 की गुणा मैं x से करूँगा तो कितना आएगा 4x, और 4 की गुणा मैं 5 से करूँगा तो कितना आएगा 4 5 20। एक अलजेब्रा का रूल होता है कि सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सेम क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड, हमेशा एक जैसी क्वांटिटी ही जुड़ती है और एक जैसी क्वांटिटी को ही घटती है, तो देखो ये दोनों एक जैसी नहीं दिख रही, बिल्कुल सेम दिख रही है, तो कितना आगे 9x और प्लस का 20। देखते हैं ऐसी कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 20, तो ये माइनस वाली नहीं होगी, राइट आंसर आपका होगा डी, डी इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक बेसिक क्वेश्चन था, समझ में आगे होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो अगले क्वेश्चन, यदि 40 10 25 20 और 35 और x का औसत 25 है तो x का मान ज्ञात करो। देखो औसत वाला क्वेश्चन करते हैं, देखो औसत का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, बहुत आसान से क्वेश्चन हो जाएगा। औसत का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं इसको, औसत का फार्मूला होता है कि जो भी आपको दे रखे हैं ऑब्जर्वेशन उनका टोटल सम, ऑब्जर्वेशन, चलो इंग्लिश में लिखते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या होता ऑब्जर्वेशन। देखो आपको कुछ नहीं करना, ये जो भी आपको आंकड़े दे रखे होते हैं, औसत का मतलब होता है सारे आंकड़ों को जोड़ो और बटे में जितनी उनकी संख्या उससे भाग दे दो। मैं जोड़ता हूँ, देखो कितना 40, पहले लिख ले एक बार 40 है, फिर देखो कितना 10 है, 25 है, और फिर आपका 20 है, 35 है, लास्ट में फिर आपका x बटे। देखो कुछ नहीं करना है, जो भी आंकड़े दे रखे हो औसत में उनको सबको जोड़ना होता है, जैसे पहले कितना 40 था, दूसरा 10 है, 25 है, तो इनको मैं जोड़ता हूँ 1 2 3 4 5 6, बटे में आपको 6 से भाग करनी होती है, और इसका औसत यदि 40 10 25 संख्याओं का औसत 25, और इसका देखो औसत भी इसने दे रखा है 25, तो यहाँ पे 25 लिख दे रहे हैं, तो अगर मैं इनको जोड़ूँ 40 10 50 50 हो गया, 50 और 20 हो गया आपका 70 और ये 70 आ गया, और मैं इनको जोड़ूँ 25 और 35 कितना हो गया, तो 25 और 35 हो गया आपका 60, ये जोड़ेंगे कितना आ गया 130 आ गया, कितना आ गया अगर मैं बात करूं तो 25 ये आ गया 130 प्लस एक्स बटे 6, तो 6 की दरगुणा हो जाएगी, थोड़ा सा ठीक लिखा, पच्चीस था ये आपका था 130 प्लस का एक्स बटे 6, कितना आ गया, तो 25 छक्का 150, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा 150 माइनस का 130, तो एक्स की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी 20 मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी 20, 20 इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं 20 कौन सा इज द राइट आंसर, आ गया, हो गया क्लियर। देखो कुछ नहीं करना, जब भी आपसे औसत पूछे तो सारे आंकड़ों को जोड़ना है, ठीक, जो भी आंकड़े जैसे 40 10 25 20 35 और x, उनकी संख्या से भाग देना है, संख्या मतलब इनको काउंट करो आप, जोड़ो
एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः से भाग देनी है। अब इसका औसत दे रखा 25, तो 25 यहाँ पे लिख दोगे औसत, ऐसे 6 से मल्टीप्लाई करी, 25 छक्का 150, इन सबको जोड़ के नंबर माइनस कर दिया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपका ये, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 81 गुणा 81, 68 गुणा 68, 2 माइनस ये। देखो अगर आप इसको देख पा रहे हो ढंग से, तो ये क्वेश्चन क्या बनना है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 81 का स्क्वायर प्लस 68 का स्क्वायर और माइनस के 2 गुणा 81 गुणा 68। अब देखो आपको आसान लगने लगा होगा क्वेश्चन। अब ये तो कुछ आपको जाने पहचानी इसी आइडेंटिटी लग रही है एलजेब्रा में। देखो एक आइडेंटिटी अपने लोग पढ़ते हैं, क्या आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बी आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकती है, ये भी आ सकता है, हालांकि इस पर क्वेश्चन नहीं है। आइडेंटिटी दूसरी है एक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी आपको याद होनी चाहिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एंड माइनस के 2 ए बी, इस वाली आइडेंटिटी पर देखो ये क्वेश्चन है। तो ये आपको सारी आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 ए बी। अब देखो यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी बन रही है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 ए बी, तो ये वाली आइडेंटिटी इसमें लग रही है। अप्लाई करें तो कितना आएगा इसका फॉर्मूला, ए माइनस बी होता है किसका, इसका अगर एक्सपेंशन की बात करें कितना होता है ए। अब ए की आपको वैल्यू पता चल गई 81 है, तो 81 माइनस बी की जगह कितना 68 का स्क्वायर, तो 81 माइनस 68 कर दो आप। अगर माइनस करूँ 11 में से 8 गए 3 बचेंगे, 13 आ गए, तो कितना आ गया 13 का स्क्वायर आपको पता है 169 होता है। तो राइट आंसर कितना हो गया 169। देखते कोई है, राइट आंसर इज द राइट आंसर। तो कुछ आइडेंटिटी जैसे ये मैंने स्क्वायर वाली लिखी, आपको क्यूब वाली भी याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है, सिंपल सी वैल्यू देगा और आपको अगर आइडेंटिटी याद होगी तो क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो कह रहे वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर होता है। देखो अभी पीछे अपने लोगों ने डिस्कस किया था, पूछ लिया कि वर्ग का क्षेत्रफल का बराबर होता है, तो सिंपल सा आंसर पता है आपको, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा होता है। जैसे ये वर्ग है, वर्ग के बारे में पढ़ा था, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये साइड ये होती है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपने लोगों ने, मैंने बताया था भुजा का वर्ग होता है। क्या भुजा का वर्ग, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, क्या भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, तो ये राइट आंसर हो गया इसका, राइट आंसर हो गया ए, भुजा गुणा भुजा, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। और इसी के साथ अपना प्रैक्टिस सेट हुआ समाप्त। नमस्कार साथियों।